टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार के एक शानदार शो में खुश आमदेद कहते हैं। आज का दिन आपकी पॉजिटिविटी का मुंतजर है। आज का दिन आपने बहुत ही खुश और खुर्रम होकर अच्छी एनर्जी के साथ गुजारना है। जिससे मिलिए आज अच्छी तरह मिलिए, और आज आपकी एक ड्यूटी है जो कि मैं आपको दे रहा हूँ। जिससे मिलेंगे आज आपको उसका दिन बना देना है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में हम इस तरह के लोग मिलते हैं जो आपको बताते हैं यार मेरा ये काम रुका हुआ है, यार मेरा वो काम रुका हुआ है, और हम ये सोचते हैं कि अगर हम इसका ये काम करेंगे तो कहीं हमसे आगे ना निकल जाए, कहीं ये हमें तेवर ना दिखाना शुरू हो जाए। नहीं, आज आपने ऐसा नहीं सोचना। आज आपने कुछ ऐसा करना है कि किसी की ज़िंदगी बन जाए, किसी का रुका हुआ काम पूरा हो जाए। आपको अंदाज़ा नहीं है, देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की। अगर आप किसी का काम करते हैं तो आप सोच नहीं सकते कि आपके कौन कौन से काम वो यूं कर देगा। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। तो बैंक तो होना चाहिए। ये चीज़ क्या बात है। देखिए ख़वातीन और हज़रात, ही हमेशा याद रखिए कि जब भी आप किसी के काम आते हैं तो अल्लाह ताला आपके और ज़्यादा काम आते हैं। जो चूँकि हमेशा हमारे मज़हब ने भी हमें ये तालीम दी है कि हुकूक़ुल इबाद को हमेशा वैल्यू दो, लोगों के साथ अच्छे रहो और लोगों के लिए आसानियां पैदा करो। आपको पता है कि अगर आप रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर या जो कभी कभी बनाना पील कह रहा हूँ, केले का छिलका जिसको कहते हैं, रास्ते में पड़ा होता है जिसे कोई फिसल के गिर सकता है, ठोकर खा सकता है पत्थर की वजह से, अगर आप रास्ता साफ करते हैं तो उसका इतना ज़्यादा सवाब है, सदका जारिया है। रास्ते में से ये जो रुकावटें इनको हटाना, अगर आप किसी की ज़िंदगी में से रुकावटें हटाएंगे, किसी की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेंगे, तो आप सोचिए कि आप कितने ज़्यादा सवाब कमा रहे होंगे, आपकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा आसान हो जाएगी। और पता नहीं क्यों हमारा ये एक इंसानी जज्बा है कि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, किसी के काम आते हैं, किसी के लिए आसानियां पैदा करते हैं बेलॉस, अपना फ़ायदा सोचे समझे बगैर, एक हमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सेटिस्फैक्शन होती है। हम बड़ा अच्छा महसूस करते हैं, बड़ा मुतमईन महसूस करते हैं, और मेरे ख्याल से ये आपकी ईमान की ताजगी होती है। जब आपके अंदर ईमान जिंदा होता है, सांस ले रहा होता है, तो आपको इस सुकून मिलता है। आप लोगों के बारे में सोचिए, अच्छा सोचिए और उनके लिए आसानियां पैदा कीजिए। आज की थॉट ऑफ द डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ख़वातीन और हज़रात, वो ये कि तालीम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर आप लोग ये जान जाए कि तालीम हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और आने वाले वक्तों में तालीम का होना, एक डिग्री का होना, एक हुनर का हाथों में होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, तो शायद आप लोग भूखा सो लें, बच्चों को कम खिलाएं, लेकिन मेहनत करके उनके हुसूल तालीम में बहुत ज़्यादा आगे रहें। क्योंकि हम बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी देने के चक्कर में उनकी तालीम पे कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, उनको बहुत जल्दी मजबूरियों की वजह से काम पे बिठा देते हैं। आप मजबूरियों की वजह से बच्चों की तालीम में खलल मत पैदा कीजिएगा। जो भी हो सके आप अपने औलादों की जो एक डिग्री तक की तालीम है, किसी हुनर हासिल करने की तालीम है, वहाँ तक आपने मेहनत करनी है, उनको पढ़ाना लिखाना है, क्योंकि तालीम की बेइंतहा वैल्यू है। जो तालीम आपको दे सकती है कॉन्फिडेंस, जो इनसाइट, जो पावर, वो आपको इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं दे सकती। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बेपनाह दौलत होती है, लेकिन अगर तालीम की कमी हो तो वो दौलत भी हाथों में से मिट्टी की तरह, रेत की तरह फिसल जाती है और आपके हाथ खाली रह जाते हैं। ख़वातीन और हज़रात, आज का एक बहुत ही शानदार शो आपके लिए लाइनअप किया है। आज हमारे साथ होंगे एजाज रोमेरो जो कि बहुत ज़बरदस्त स्टाइलिस्ट है, तानिया रुगाटिया होंगी जो कि बहुत ही बेहतरीन फ्लोरिस्ट हैं, एक एबाना की एक्सपर्ट हैं, बहुत शानदार काम करती हैं, गिफ्ट रैपिंग करती हैं और गिफ्ट रैपिंग उनका प्रोफेशन है। ब्लूमिंग अंडरस्कोर लेन उनका इंस्टाग्राम है, आप चेक कर सकते हैं उनके आने से पहले, ताकि आप कॉल करके उनसे कोई बात भी कर सकें। शेफ मुनीजा हम सब की फेवरेट हमारे साथ होंगी, और डॉक्टर आयशा अब्बास होंगी जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त हर्बलिस्ट हैं, एक डॉक्टर हैं,
और वो आज हमें बताएंगी कि बच्चों को स्नैक बॉक्स में, लंच बॉक्स में क्या देना चाहिए ताकि उनका दिन अच्छा गुजरे, उनकी थकान में कमी हो, उनके विटामिन्स पूरे हों, उनके न्यूट्रिएंट्स पूरे हों, क्योंकि आजकल के बच्चे किसी की नहीं सुनते। मुझे तो लगता है बच्चे वैसे भी कभी किसी की नहीं सुनते, उनको समझाना पड़ता है, उनके पीछे भागना पड़ता है, लेकिन जो लंच बॉक्स होता है, जो ब्रेक जब स्कूल में आते हैं, तो ऑफकोर्स लंच एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम सब लुक फॉरवर्ड करते हैं, तो बच्चे भी लुक फॉरवर्ड करते हैं। तो बच्चों को आज लंच में क्या देना है ये हमें डॉक्टर आयशा बताएंगी। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, खवातीन और आजाद आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आयशा, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। माशाल्लाह मैं जब भी आपसे मिलता हूँ डॉक्टर आयशा, हमेशा आपका मूड अच्छा होता है, हमेशा मुस्कुरा रही होती है, इसका सीक्रेट क्या है? इसका सीक्रेट है पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी जो कि बहुत मुश्किल से मिलती है आजकल। मैंने बहुत मुश्किल से सीखी है। बहुत मुश्किल से सीखी है। प्लीज मुझे बताएं आप लेकिन तीन, अगर आपको शॉर्टलिस्ट करना हो तो वो कौन से तीन फीचर्स हैं जिससे आपने पॉजिटिविटी सीखी है? मैंने अपनी लाइफ से सीखी है, मैंने अपने पेरेंट्स से सीखी है, और मैंने अपनी जिंदगी से सीखी है, तजुर्बात से। यस, वेरी नाइस। और जो लोग एक आदतन डाउन रहते हैं या उनके अंदर कोई ऐसी उमंग नहीं है या पॉजिटिव रहने की कोई वजह या जुस्तजू नहीं रही है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो प्लीज़ ऐसा ना करें। वो अपनी ज़िंदगी के 10 या 15 साल खुद ब खुद ज़ाया कर देते हैं, वो 40s में 60s के लगते हैं, और अल्लाह ताला की वो नेमतें वो मिस कर देते हैं, वो खुशियाँ, खूबसूरत ज़िंदगी, वो नेमतें और हर चीज़। प्लीज़ ऐसा ना करें और हर ज़िंदगी का हर पल इंजॉय करें। क्या बात है, वेरी नाइस। एक्सेलेंट। आपने जिस जोश और जज्बे से बात कही है ना, आई एम श्योर जो लोग बैठे हुए होंगे उन आप लोगों को इसी पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये अच्छी सोच रखना। और ये जो बात करी है ना कि ज़िंदगी के 10-15 साल यूँ ज़ाया हो जाते हैं, यस, ऐसे आपको पता है ये बड़ी बुरी चीज़ है। और मुझे लगता है कुछ चंद एक जो एक एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि आपको डाउन करते हैं, लोग कुछ आपको डाउन करते हैं, सिचुएशंस डाउन करती हैं, लेकिन आप इतने फनकार होने चाहिए कि आप फटाफट शेप शिफ्टिंग करें और आपको नई चीज़ करके अपने आप को हर वक्त तरोताज़ा रखें, अच्छा रखें और अच्छे दोस्त रखें। मुझे लगता है डॉक्टर आयशा दोस्तों की बड़ी अहमियत है। दोस्तों की बहुत ज़्यादा अहमियत है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अच्छे दोस्तों, आप अपने आप से दोस्ती करें। लव योरसेल्फ। एक्सेलेंट। आप अपने आप को शीशे के आगे देखें, आपके पास ज़रूरी नहीं है दोस्तों, आप अपने आप से दोस्ती करेंगे तो ज़बरदस्त काम हो जाएगा। मैंने सिर्फ ज़िंदगी में एक किसी से बात की थी, उन्होंने मुझे ये बताया बस तुम अपने सामने पानी का ग्लास रख लिया करो। शॉर्ट टाइम है, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। पानी का ग्लास रखो, उसको आधा पानी से भरो और आधा खाली रखो। ज़्यादातर लोग ये कर रहे होते हैं कि वो आधा ग्लास खाली देख रहे होते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, काश मेरे पास पैसे होते, काश गाड़ी होती, काश खूबसूरत बीवी होती, काश खूबसूरत घर होता, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि वो जो आधा पानी का ग्लास है मैं वो देख रही होती हूँ, और उसने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, आपके साथ कुछ भी नहीं हो लेकिन आपका अल्लाह आपके साथ होता है। क्या बात है, ब्यूटिफुल, व्हाट अ थॉट, ब्यूटिफुल। आज आप क्या कर रही हैं? आज हम बात करेंगे उन नन्हे मुन्ने बच्चों के बारे में जिनके बारे में हम कभी भी बात नहीं करते। हम हमेशा मोटापे के बारे में बात कर रहे होते हैं और दुबला और खूबसूरत होने के बात कर रहे होते हैं, उन बच्चों को हम छोड़ देते हैं। बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए, एक हफ्ता हो गया बच्चे स्कूल जाने लग गए, और माएँ हैं बहुत परेशान मेरी तरह। बच्चों को रोज चाहिए होते हैं और नगेट्स चाहिए, और बच्चों को जो है ना पैसे चाहिए, उनको जूसेस चाहिए, और जनाब मम्मा मुझे पैसे दे दें, आज मुझे बर्गर खाना है, आज मुझे पिज़्ज़ा खाना है। बात यह है कि ठीक है, आप उनका एक दिन बना दें कि आज मैंने उनको पैसे दे दिए और आज तुम अपनी पसंद का ठीक है रोल ले लेना और तुम जूस खा लेना। ठीक है, हम बच्चे हैं, हम मदर्स हैं, हमें पता है कि हमें बच्चों को हम हर तरह से वो नहीं कर सकते, लेकिन हेल्दी स्नैकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी वजह ये होती है कि अगर हमने हेल्दी स्नैकिंग बच्चों में नहीं की, हाइट के इश्यूज़ आते हैं, कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ आते हैं, बच्चों के रिजल्ट के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, बच्चों के मेमोरी के इश्यूज़ बहुत आते हैं कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, बच्चा याद नहीं कर पा रहा। और हमारा मुल्क वो बेहतरीन मुल्क है जिसमें इतने मुनासिब रेट्स पे अभी भी ये तमाम नेमतें मिलती हैं। आप बाहर जाएँ, आपको डेढ़ डेढ़ दो दो डॉलर में एक फ्रूट मिलेगा,
और अभी भी माशाल्लाह इतने मुनासिब पैसों में आपको एक एक किलो दो दो किलो फल मिल जाता है। तो आपने एक ज़बरदस्त लंच बॉक्स लेना है और उसके अंदर आप ग्रेप्स डालें, ठीक है, उसमें आपने जो है ना तरबूज डाला, नाशपाती डाली और एप्पल डाला। इसके आप बेशक, मैं बड़े पीसेस कट करके मैंने रखे हैं ताकि ये विजिबल हो जाए, लोग हमारे जो ऑडियंस हैं देख लें, और कलर्ड कॉम्बिनेशन में डालें। जितना फल कलर्ड होता है उसमें फाइटोकेमिकल्स होते हैं, यानी कि वो फाइट करते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, कैंसर से फाइट करते हैं, और याददाश्त बहुत अच्छी होती है। रंग वाले फल होते हैं तो जितना कलर्ड फल आप बच्चों को देंगे उनकी इम्यून सिस्टम को वो स्ट्रॉन्ग करेगा। और हमने इन दिनों में यही देखा है कि जितना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा आप मजबूत हो जाएंगे। तो ये फल का जो है ना एटलीस्ट हफ्ते में दो दिन आपने बच्चों के लंच बॉक्स में ये डाल के देना है। बेशक इसके साथ आप कुछ नट्स ऐड करते हैं, बादाम मिला लें, वॉलनट्स, अब कॉम्बिनेशन तो माँ ने अपने तरीके से बच्चों को बना के देनी है। तो हेल्दी स्नैकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आप बच्चों को दें। और आप अक्सर नोट करें कि बच्चे कंप्लेन कर रहे होते हैं जिस्म में दर्द की, ठीक है, और उसके बाद वो कंप्लेन कर रहे होते हैं कि मुझे नींद ठीक नहीं आ रही, जल्दी थक जाते हैं। उसके बाद ये कि कल उनका टेस्ट है और उसके बाद उनको याद नहीं हो रहा, आप ये करके देखें, उसके बाद ये इश्यूज आपके जबरदस्त सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, अगर उनको फ्रूट देना शुरू करें, उनको फ्रूट देना आप शुरू कर दें। अच्छा, उनकी स्किन की जो, अच्छा, उसके बाद मदर्स को ये बहुत होता है कि जी मेरा बच्चा गोरा चिट्टा नहीं हो रहा, आप उनको ग्रेप्स खिलाना शुरू करें, ये कंप्लेंट भी दूर हो जाएगी। गोरा हो जाएगा, यस, सिर्फ अंगूर खाने से। अंगूर खाने से, साथ में पानी भी आपको देना है। अच्छा। और सारे फल भी आपको देने, फ्रूट से कॉम्प्लेक्शन पे बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। अपने हस्बैंड को भी पिला सकते हैं। बिल्कुल पिला सकते हैं। अच्छा, एक चीज और डॉक्टर साहब, हमसे तानिया ने पूछा कि मेरा बेटा दूध नहीं पीता, दूध के नाम से भी चिढ़ जाता है, उम्र 3 साल है, मैं क्या करूँ, ना खीर खाता है ना कस्टर्ड, वो भी ट्राई कर चुकी है। अच्छा देखिए, अगर वो ये तमाम तरह चीज़ें नहीं लेता तो कोई ऐसी बात नहीं है, बच्चे योगर्ट खा लेते हैं, बच्चों को दही पसंद होता है, आप उनको दही में चीनी डाल के दें, ठीक है, तो वो कोई बात नहीं, कोई भी कैल्शियम की चीज़ दे सकते हैं, दूध नहीं लेता, खीर नहीं लेता, कोई बात नहीं, आप योगर्ट देते हैं, कुछ भी नहीं, बच्चों को चीज़ पसंद होती है, और चीज़ आजकल डिफरेंट उसमें आ रही होती है, चीज़ दे दें, डिफरेंट फॉर्म्स में आती है, फ्लेवर्ड योगर्ट बच्चे खा लेते हैं, और आजकल बहुत वैरायटी अवेलेबल है, फ्लेवर्ड योगर्ट देते हैं, ये घर में फ्लेवर्ड योगर्ट बना सकते हैं, घर में फ्लेवर्ड योगर्ट बनाया जा सकता है, बिल्कुल फल ग्राइंड कर, हाँ, तो कैल्शियम की सोर्स देनी है। अच्छा, पालक के अंदर कैल्शियम मौजूद है, बीन्स में मौजूद है, तो ये चीजें दी जा सकती हैं। अच्छा, सीरियल्स बच्चे खा लेते हैं, तो कोई भी सीरियल जिसमें लिखा हुआ है फोर्टिफाइड विद कैल्शियम, आप बच्चे को वो दे दें, आपने कैल्शियम की सोर्स पूरी करनी है किसी भी तरीके से। और अगर आप इन तमाम तर चीज़ों से खुदा ना खास्ता फेल हो जाए तो फिर यू हैव टू गिव द प्रोवाइड द चाइल्ड विद द सप्लीमेंट्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से, जो ऑरेंज टैबलेट्स, ऑरेंज टैबलेट्स हैं, CSE 1000 है, वरना फिर ये के बोन इश्यूज होंगे, हाइट इश्यूज होंगे और बहुत सारे इश्यूज होंगे, वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। अच्छा, बच्चों को बरसात के मौसम में नजला जुकाम की शिकायत रहती है, स्कूल की टीचर है ये, बड़े ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच, जितने भी टीचर्स हैं मुझे बहुत खुशी होती है जब हमारा शो देखते हैं और हमसे इस तरह इंटरेक्ट करते हैं। मिसेज नकवी नाम है इनका और कराची से इन्होंने मैसेज किया है। बच्चों को बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम की शिकायत रहती है, स्कूल की कैंटीन में सिर्फ कोल्ड ड्रिंक और पानी मिलता है, हम कौन सी हर्बल चाय या कोई ऐसा मशरूम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे बच्चों की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? अगर स्कूल में इंट्रोड्यूस करना है तो दालचीनी और जीरे का पानी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ये बहुत अच्छा है। ग्रीन टी इंट्रोड्यूस किए जा सकती है और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। और अगर ये भी नहीं की जा सकती तो सिनेमन टी इंट्रोड्यूस की जाती है, इन सब के फ्लेवर्स बहुत अच्छे होते हैं। हर्बल टीज मिलती हैं और इनके फ्लेवर्ड आते हैं आजकल, इनके फ्लेवर्स बहुत अच्छे होते हैं, इसमें हल्की सी शुगर डाल के इंट्रोड्यूस की जाती है, कोई इसमें ऐसा मसला नहीं। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताएं, बहुत ही डिबेटेबल सब्जेक्ट है, कहते हैं कि जो चाय है या जो ग्रीन टी है ये गर्म ही पीनी चाहिए, क्योंकि देखिए वो कुछ लोग ये कहते हैं कि जी जब आप पी लेते हैं तो अंदर जाके तो उनका वही टेम्परेचर हो जाता है जो अंदर का टेम्परेचर होता है, तो इसकी क्या, इसके अंदर नहीं, इसमें ऐसा नहीं है, अंदर जाके तो खैर हर चीज़ का एक ही टेम्परेचर हो जाता है, लेकिन आप अगर जब उसको पीने लगे तो ये थोड़ी सी वॉर्म ही आपको पीना पसंद में आती है, ठंडी इतनी आपको पसंद नहीं आती, ठंडी तो कॉफ़ी ही शायद कोई पी ले, ब्लैक कॉफ़ी होती है, अमेरिकानो है, वो कोल्ड अमेरिकानो भी मिलती है, कोल्ड में होती है, चाय या ग्रीन टी जब पीने बैठो तो वो ठंडी आपको इतनी पसंद नहीं आती, आप किसी को दे के यही कहते हैं कि इसको गर्म करके, लेकिन अगर कोई ठंडी पी रहा हो तो उसको फायदा वही होगा या कम होगा? फायदा वही होगा, उसके इंग्रेडिएंट्स तो वही रहते हैं। अच्छा, टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं नहीं नहीं,
ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब, एक जाती तजुर्बा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं एक प्ले की शूटिंग करने के लिए टोक्यो गया था और मैं टोक्यो में था तकरीबन कोई 18-20 दिन के लिए, और वहाँ पे हर खाने से पहले वो लोग खोलता हुआ गर्म पानी पेश करते हैं खाने से पहले खाने के बाद। तो मुझे तो जब वो आया ना तो मुझे लगा एकदम से कि शायद इन्होंने हाथ साफ़ करने के लिए दिया, तो मैंने उसमें हाथ डाल के साफ़ कर लिया तो हंसने लगे सब। फिर बाद में जब पता चला कि वो पीने के लिए होता है खाने से पहले और खाने के बाद खोलता हुआ गर्म पानी, डॉक्टर साहब उसकी क्या अफादियत है? लेकिन जापानीज आप देखें कितने दुबले पतले होते हैं, स्लिम एंड फिट, तो वो यही करते हैं कि वो खोलता हुआ गर्म पानी पीते हैं पहले। और उससे एक तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो उनका पेट बहुत ज़्यादा भर जाता है। जब आपका एक बलून है, गुब्बारा है, आपने उसको पहले ही पानी से भर लिया तो आपकी एपेटाइट और कैलोरी कंट्रोल पहले ही हो जाएगा। ये खाने से पहले मैंने अपना पेट अच्छे तरीके से पानी से भर लिया तो मैं ये कितना खाऊंगी, इतना भी नहीं खा पाऊंगी। exactly. एक इसका ये लॉजिक होता है। तो जापानीज दे आर वेरी इंटेलिजेंट, ऐसे ही नहीं उन्होंने चीज़ें बना ली। एक वो ये करते हैं, दूसरा ये करते हैं कि वो गर्म पानी आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत बढ़ा देता है, तो उसके बाद वो जितनी भी कैलोरीज वो ले लेते हैं वो इतनी ज़्यादा उनका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है कि ठक 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 वो फ़ौरन मेटाबोलाइज हो जाती हैं, तो वो उनका वो फैट में कन्वर्ट नहीं होने देते। इसके पीछे उनके दो लॉजिक्स होते हैं। Fantastic. So they are very intelligent people. और हम साथ में कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम तो हैं ही बहुत अकलमंद। डॉक्टर साहब, वो नुकसानदेह है ना फिजी ड्रिंक्स? बहुत ज्यादा सबके लिए, इवन बच्चों के लिए। उसमें शुगर बहुत ज्यादा है, ज्यादा शुगर उसमें है। बहुत ज्यादा चीनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल इसी से रिलेटेड है। अर्नेस्ट ने हमें मैसेज किया है फ्रॉम कराची से, इनका ताल्लुक है अर्नेस्ट का, कह रहे हैं कि वाइट शुगर इन्होंने और इनकी फैमिली ने तर्क कर दी है। बहुत जबकि बहुत ही ज़बरदस्त काम किया अर्नेस्ट आपने। इनकी बेटी है जेनिस जो कि 6 साल की है, क्या उस एज में भी चीनी का इस्तेमाल बंद कर दिया जाए वाइट शुगर का छोटी बच्ची के लिए, या बच्चे ले सकते हैं? नहीं, वाइट शुगर का कहीं पे भी आप देख लें कि कोई भी कहीं किसी किताब में किसी इंसाइक्लोपीडिया में कोई भी उसका कोई फायदा नहीं है। तो अगर उस बच्ची ने उसको तर्क कर दिया तो बहुत अच्छा किया, लेकिन किया कैसे? वो ये टिप भी हमारे साथ शेयर कर लेते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि बच्चे तो चीनी को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन अगर उन्होंने इसको ब्राउन शुगर के साथ रिप्लेस कर लिया है और किसी भी तरीके से वो किसी कोकोनट शुगर आती है, हाँ कोकोनट शुगर आती है, कर लिया तो बहुत अच्छा किया। लेकिन एक बच्ची के साथ उन्होंने ये कर लिया, बच्चे तो चाय में भी चीनी डलवा रहे होते हैं, सीरियल्स में भी, और अगर वो इस चीज में कामयाब हो गए, सैल्यूट टू देम, वेरी गुड अर्नेस्ट, हमें बड़ी खुशी है, और जेनिस को भी सैल्यूट जिन्होंने इतनी जल्दी इस चीज को अडॉप्ट कर लिया। एक चीज और मुझे बताएं डॉक्टर साहब कि जो गुड़ होता है क्या वो चीनी की तरह किसी सूरत खतरनाक हो सकता है? देखिए, गुड़ जो है ना वो इतना ज्यादा प्रोसेस्ड नहीं होता, तो निस्बतन वो इतना खतरनाक नहीं होता जितना खतरनाक है, हाँ, जितना कि वाइट शुगर होती है। ठीक है, इतना उसको इतना ज्यादा उस प्रोसेशन से नहीं गुजारा जाता जितना सफेद शुगर को गुजारा जाता है। लेकिन अगर ये कहें कि जी डॉक्टर आयशा मुझे अपना वेट लॉस करना है और मैं चाय के अंदर जो है वो सफेद चीनी के बजाय गुड़ को डाल लेती हूँ, तो गुड़ की जो कैलोरीज हैं, 1 टीस्पून शुगर और 1 टीस्पून गुड़ की कैलोरीज उतनी है, सेम ही आपको वेट लॉस के ऊपर जाना है तो कैलोरिक वाइज उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन गुड़ में फाइबर है, वाइट शुगर में फाइबर नहीं है, गुड़ को इतना ज्यादा प्रोसेस नहीं किया गया वाइट शुगर को, तो इस लिहाज से देखा जाए तो गुड़ निस्बतन फायदेमंद है। लेकिन ये सोच कैलोरी डेफिसिट नहीं होगा, हाँ, लेकिन हम खीर के अंदर गुड़ की खीर बना रहे हैं, खीर के अंदर हम कस्टर्ड के अंदर हम गुड़ डाल के हम कस्टर्ड खा रहे हैं, तो वेट लॉस नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आप चाय में जो कह रही है कि 1 चम्मच गुड़ और 1 चम्मच वाइट शुगर जो है उनकी सेम कैलोरीज है, तो क्या शहद की भी सेम कैलोरीज है? बिल्कुल सेम कैलोरीज है, बिल्कुल बिल्कुल कैलोरीज वाइज सब चीजें सेम है। तो आपको अगर वेट लॉस करना तो है, मीठा बंद करना तो पड़ेगा तो किसी भी फॉर्म में yes. हो, ये पते की बात डॉक्टर साहब ने बताई है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एक बहुत पते की बात डॉक्टर साहब ने की कि बच्चों को स्नैक बॉक्स में, लंच बॉक्स में फल दें, और जो रंगीन फल होते हैं, जो कलर्ड फल होते हैं, वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, उनके अंदर जो फाइटिंग मैकेनिज्म होता है उन फ्रूट्स में वो ज्यादा होता है। डॉक्टर साहब शुक्रिया, आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, एक बार फिर आपको शो में वेलकम करते हैं। आप क्या बुद्ध बन के खड़ी हुई है, कुछ सलाम दुआ कर लें। मैंने कहा आप मौका देंगे तो बोलूंगी मौका? ना
आपको तो बस अपने बालों की फिक्र है कि मेरे बाल सही लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही लग रहे हैं आपके बाल। आपको पता है इंडस्ट्री का, अच्छे लग रहे हैं। इंडस्ट्री का करोड़ों रुपया लगा हुआ है तो ओएमजी करोड़ों, क्या मतलब है आपका? हम पे भी कोई करोड़ों लगा रहे, हम पे तो चिल्लर कोई नहीं लगा रहा। कबाड़ खाने पे कौन इन्वेस्ट करता है? देखिए अभी शेफरी साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछ, सामने से बात आ रही है, ये तो है अगर आप, अरे उन्होंने कहा कि ये क्या बात हुई, वो मुझे कह रहे हैं। अच्छा देखिए आप कभी आपने देखी जैसे फॉक्सी है पुरानी हो गई कबाड़ वाली सिस्टम, लेकिन उसकी कितनी वैल्यू है ना, तो इसी तरह अगर आप मुझे कबाड़ कह रहे हैं तो कबाड़ की आपको मैंने कबाड़ नहीं कहा शेमुनीजा, मेरी इतनी जुर्रत हरगिज मैंने आपको नहीं कहा। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा था कि शेफ मुनीजा कबाड़ पे पैसे कौन लोग लगाते हैं, एक पहेलिया जवाब दे। ओ अच्छा सही, मैं आपसे ये पूछ रहा था, मेरी इतनी जुर्रत, आप मेरी बहन है नहीं, नहीं, और नहीं। आप मेरी बड़ी बहन है, मैं आपकी बहनें हमेशा बड़ी होती है रिश्ते में। ये क्या बात हो गई, भाई अगर छोटे भी हो ना तो भी बड़े होते हैं। नहीं शेफ मुनीजा, बहनें हमेशा बड़ी होती हैं। ये किसने कह दिया? आप मुझे एक बात बताएं, भाई बहन में पहले शादी किसकी होती है? बहन की। तो क्या मतलब बहन बड़ी हो गई? ऑफ कोर्स नहीं, हमारे यहाँ तो ट्रेंड है लड़कियों की जल्दी शादी हो जाती है, तो बड़ी क्या है? रिश्ते में बड़ी जाती है ना? नहीं कोई ऐसा सीन नहीं है, ये किसने कह दिया? नहीं देखा, अपने पैसे बचाते हैं, ईदी बचाते हैं। अच्छा तो मैं आपको आप ही नहीं कहूँ छुटकी कहूँ? आप बताए, छोटी बहनों को तो यही कहा जाता है छुटकी गुड़िया। हाँ क्या आपको ऐसे शमरीजा आपके भाई क्या कहते हैं प्यार से? मुझे मेरा एक्चुअली जो नहीं नहीं छोड़े ऑन स्क्रीन नहीं बता सकते। क्यों 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 प्लीज। अच्छा चले ठीक है, आप ना सुने, आप तीन तीन निकनेम्स बताए, मैं बताऊंगा कौन सा सही है, फिर आप बताइएगा। देखिए अगर मैं उसको बताती हूँ ना तो हमेशा उस चीज़ की दो वेज में मजाक उड़ती है। हाँ। मैं सीरियसली बता देती हूँ ये मुझे क्या कहते थे। मुझे एक्चुअली मेरा नाम मुनीजा है तो मुझे मूना कहते थे घर में, तो मुन्ना, तो मुझे पता था एग्जैक्टली, मुझे पता था आप यही कहने वाले। नहीं मुन्ना कहते थे, मूना, मोना, मोना भी होता है, मूना कहते थे वो मुझे, मून से। हाँ मून से मूना, ठीक है। तो अब वो अक्सर जो स्कूल में मोना लीजा के उससे लोग तंग करते थे, या जो आपने अभी बोला मुन्ना, तो अगर आप चाहते हैं कि मुन्ना भाई वाली जो क्वालिटीज मेरे अंदर है वो मैं आपको दिखाऊं तो आप बोल सकते हैं। बोले आई थिंक मोनालिजा बेहतर है। मोनालिजा की बताएं सबसे अच्छी बात क्या है? मुझे नहीं पता है। आपको पता है मोनालिसा का तो पता ना कि क्या है? उनकी पेंटिंग है, एक पेंटिंग है बहुत मशहूर, ठीक है, लियोनार्डो डा विंची की बहुत मशहूर पेंटिंग है। उसकी सबसे अच्छी बात क्या रहता है? नहीं पता, आई डोंट नो। इट्स अ वर्ल्ड क्लास पेंटिंग। हां इट्स अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो वैसे मुझे आप कोई क्वालिटी पूछ रहे हैं इसके अलावा? एक पेंटिंग की अच्छी क्वालिटी क्या होती है कि वो दुनिया की मशहूर पेंटिंग है, खूबसूरत पेंटिंग है। अच्छा अच्छा, लेकिन लोग ये कहते हैं कि उसकी सबसे अच्छी बात ये है कि वो बोलती नहीं है। आज आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। आज हम बना रहे हैं फैता राइस, चिकन फैता राइस, ठीक है, जिसको जो है वो तो आपने सुना होगा, फजीता, फजीता, फजीता भी तो बोलते हैं, फजीता ही तो होता है, जेलापिनो, जेलापिनो होता है, जेलापिनो होता है, तो क्या होता है? एलापिनो नहीं होता? अच्छा जेलापिनो और एलापिनो, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलेंगे इस बारे में, मुझे पता ही नहीं, मैं तो पाकिस्तानी खाना खाता हूँ। अच्छा हाँ, रोटी सालन, दाल, दाल चावल। हाँ। शक्लें किसकी बन रही होती है दाल सब्जी पे? क्या कब? हाँ, देखिए गुजरे हुए कल की नहीं आज की बात। आप वही आपने बताया था गोल्ड फिश मेमोरी, छड्डो जी। हाँ भूल जाते हैं आप अपनी बात, कह के भूल जाते हैं, मुझे आप ट्रीट भी दे रहे थे कोई। शेफ मुनीजा बाय द वे हमारा जो किचन है वो स्पॉन्सर किया है फोटाइल ने, और फोटाइल के जितने भी अप्लायंसेज हैं बेहतरीन है, हमारा बड़ा साथ देते हैं, और आप तक ये किचन का सेगमेंट पहुंचाने में हमारे साथ ताबुन करते हैं, तो फोटाइल का बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया इनके जो है जितनी भी चीज़ें हैं। शेफ मुनीजा आपने वो बनाया था बहुत ही जबरदस्त, बताएं मैं किस डिश की बात कर रहा हूँ? किस डिश की बात कर रहे हैं आप बताएं, गेस करें। नहीं, मैं तो हर चीज अच्छी बना रही होती हूँ इसलिए नहीं, क्योंकि मैंने वो घर पर भी बनाया था और वो बहुत ही मजे का बना था, बताएं क्या? तवा कीमा? नो। फिर तवा चिकन? नो। स्नैक्स थे? स्नैक्स थे वो क्रिस्पी फ्राइज पकोड़ा। यस ओके, मुझे जो मुझे लगता था फ्रेंच फ्राइज हमेशा जो मेरे थे ना शेफ मुनीजा वो सॉगी से हो जाते थे, और मैंने आपको इतनी दुआएं दी उस दिन, मैंने कहा फाइनली फाइनली मैंने वो चीज अचीव कर ली, क्योंकि वीकेंड कुकिंग मैं करता हूँ ना, मतलब मैं अब सुबह उठने की आदत बन गई है, तो मैं अपनी आदत वीकेंड्स पे भी खराब नहीं करता, मैं सैटरडे और संडे को भी
सुबह उठ जाओ तो इतना सारा टाइम मिलता मुझे अपने आप को देने के लिए, अपने प्लांट्स को, पेट्स को, घर वालों को, खुद को। तो मैं ये नहीं करता कि मैं संडे है तो भाई देर तक सोता रहूं, उठता मैं सुबह जल्दी और मैं सुबह वीकेंड कुकिंग करता हूँ। शबुन का मैंने वो फ्राइज बनाए थे और फाइनली वो क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे बन गए, जबरदस्त। देखा तो, हाँ साढ़े ना लोगे तो ऐश करोगे। ये बात ये बात तो है, ये तो मैं मानता हूँ। सबसे मजे का होता है कि वो डॉक्टर खुर्रम जब भी आते हैं तो वो बड़ी तारीफ़ें कर रहे होते हैं टेस्ट करने के बाद, तो इतने अच्छे तरीके से वो तारीफ़ें कर रहे होते हैं और असफल भी कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली हमारी टीम के हर मेंबर अपने जो है वो तारीफ़ ज़रूर करते हैं, तो वो दिल खुश हो जाता है कि जब आप मेहनत करते हैं और वो तारीफ़ से वो मेहनत वसूल हो जाती है। नेचुरली ऑफ कोर्स एनकरेजमेंट जो होता है वो सबसे बड़ी मोटिवेशन होता है ना। और अल्लाह का शुक्र है हमें बहुत अच्छी टीम मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। बस कुछ लोग होते हैं जो चल गुजारा करना पड़ता है इतने अच्छे लोगों में, फिर एक आधे कोई इंसान को बर्दाश्त करना ही पड़ जाता है। किसका कह रही है, खुल के कह रही है, खुल के कह रही है। हाँ अब तो 2022 है, सारी बातें खुल के दिल में कुछ मत रखें। हाँ बस देखिए दिल में जब बुरी बात रखेंगी ना वो कोयले की तरह वो आप ही को जलाएगा। नाम ले लें, नाम ले लूं, ए से आते ना कुछ नाम, ए फॉर एप्पल। हाँ एप्पल की बात कर रही हूँ। अच्छा हमने ऑयल, अच्छा चलो मैं आपसे एक मुहावरा पूछता हूँ इंग्लिश का, इसको उर्दू में बताएं। हाँ एप्पल ऑफ माय आई, इसको उर्दू में आंखों का तारा, मेरी आंख का तारा। मैंने स्टार तो नहीं कहा, एप्पल कहा है, मेरी आंख का एप्पल तो नहीं कहेंगे ना। लेकिन बिल्कुल सही, एप्पल ऑफ माय आई, मेरी आंख का तारा। हाँ। अच्छा एक एक पहेली मेरे पास भी है, जब तक ये चिकन डन हो रही है तब तक एक पहेली मेरे पास है। जी बताइए। देखिए आपको आटा पिसवाने जाना है, ठीक है, सही है, ठीक है। तो अब आपके पास 5 किलोमीटर दूर है चक्की, ठीक है, अब आपके पास आप वॉक करके जा सकते हैं, 3 से 4 ऑप्शंस है, वॉक करके जा सकते हैं, ठीक है, साइकिल पे जा सकते हैं, ठीक है, बाइक पे जा सकते हैं, ठीक है, गाड़ी में जा सकते हैं, ठीक है। अब आप किस में जाएंगे कि आप जल्दी पहुंच जाएं और 5 किलोमीटर का रास्ता है, गाड़ी है, बाइक है और साइकिल है और पैदल जा सकते हैं और आपने आटा पिसवाने जाना है। अच्छा पहली चीज तो ये कि आटे को पिसवाने की जरूरत नहीं होती। ये मैं बताऊँ, ये किसी ने हेल्प करी है पीछे, आई स्वेयर किसी ने हेल्प नहीं की, क्योंकि आटे आटे को कौन पीसेगा, आटे को तो पिसवाने की कोई जरूरत नहीं होती। चलो मतलब यार तो जाने की क्या जरूरत है, पचका हो गया यहाँ पे। अच्छा एक और एक और एक और चले, ठीक है। आपके 4 भाई हैं, आपके अम्मी अबू के आपको मिला के 4 भाई हैं, ठीक है, एक का नाम संडे है, एक का नाम मंडे है, एक का नाम ट्यूसडे, चौथे का क्या नाम है? ये क्या बात है, सही है ना, सही कहा ना, बिल्कुल है ना, ये तो चीटिंग है। नहीं नहीं मजा नहीं आया, आई स्वेयर ये मैंने ना ये मैंने क्लास 2 में पढ़े थे तो मुझे आज तक याद है। जी नहीं ऐसा कोई थी। अच्छा चले अब आप पूछे, चले देखते हैं। एक शर्त है, हाँ, क्या आप एक अच्छी तरह से ब्रेक लेंगी? ओके डन, ठीक है चले। हाँ पूछे, अच्छा थोड़ा आसान पूछिएगा, पूछे। मैं कह रहा हूँ ब्रेक ले अच्छी तरह से, आप क्या सोच रही हैं? आपने बोला एक शर्त पे, मैंने कहा एक शर्त पे कि आप अच्छी तरह से पहले ब्रेक ले फिर वापस उसके बाद। ओके ओके ओके। अच्छा जी नाज़रीन आपने कहीं नहीं जाना, यहाँ बन रहे हैं चिकन फजीता फाइटा राइस, ठीक है, आपने हमारे साथ रहने, जल्दी से वापस आइए। फेस सही हो जाता है। वेलकम बैक खवातीन रोजरात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। शेफ मुनीजा क्या आप 5 साल पीछे जाना चाहती हैं? 5 साल पीछे? हाँ मतलब क्या टाइम मशीन मंगाई है? टाइम मशीन नहीं, मतलब जिस तरह आप 5 साल पहले दिखती थी, जिस तरह की आपकी स्किन फ्रेश होती थी, वो तो अभी भी माशाल्लाह से है, वो तो इतने सारे डॉक्टर्स के यहाँ जब जाएंगी तो मजाक करो, मतलब आई थिंक इसमें कोई बुरी बात नहीं, मैं खुद जाता हूँ बहुत सारे डॉक्टर, सो व्हाट सो व्हाट। लेकिन 5 साल पहले जिस तरह आपकी स्किन थी, आप चाहती कि पहले वैसी हो जाए? ऑफ कोर्स 5 साल पहले तो और अच्छी होगी। हाँ, तो ऐसे कैसे हो सकती है, मतलब ऐसे चाहते तो हैं हम ऑब्वियसली। आपको मैं एक जादूगर से मिलवाने वाला हूँ। जादूगर? जी जादू भी करने लग गए आज, बिल्कुल। आप देखिए खवातीन रोजरात हमारे साथ एक जादूगर मौजूद है जिनका नाम है हकीम शाहनसी। आपको पहले बता चुका हूँ मैं आपका फैन हूँ और आपको मुबारकबाद देनी थी, आपका जख्म जो ड्रामा सीरियल चली है माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी पूरी फैमिली आपकी फैन है।
थैंक यू आपकी फैमिली का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आप तोहफे के तौर पे शेफ मुनीजा को 5 साल पीछे लेके जा रहे हैं। जी बिल्कुल, लेके जाएंगे। मेरे ख्याल से सभी जा सकते हैं। बिल्कुल सब जा सकते हैं, लड़के और लड़कियां सब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे आपने देखा चेहरा लूज हो रहा होता है, चेहरे पे लाइनें आ रही होती हैं और ओपन पोर्स हो रहे होते हैं, गर्दन पे लाइनें आ रही होती हैं, बाद लोगों की गर्दन ब्लैक हो रही होती है, चेहरे पे पिगमेंटेशन हो रही होती है, इसको ख़त्म करना और अपनी स्किन को लिफ्ट करना, ग्लो करना और शाइन करना, ये हाथों पे आपके जो झुर्रियाँ आ रही होती हैं ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप बनाइए, आप ये कुछ दिन इस्तेमाल कीजिए। देखिए कोई भी चीज़ जो 5 दिन में काम नहीं करे वो 5 साल में भी नहीं करेगी। आप 5 दिन इस्तेमाल करके आप देख लें, आप खुद ही हमें दुआएं देंगे। तो इसमें हम टोटली 4-5 चीज़ें जो आपके सामने हैं। ये एक बूटी आती है वर्स, ये बिल्कुल इसकी शिकल ज़ाफरान की तरह होती है लेकिन ये ज़ाफरान नहीं होती है, वर्स। वर्स जी, इसका सेकंड नाम गुले खुम्बा कहा जाता है। गुले खुम्बा, गुले खुम्बा जी। ये इसका पाउडर है, ये हमने लिया 1 चाय वाला चम्मच। समंदरी झाग हर इंसान जानता है इसे, ये लिया हमने 1 चाय वाला चम्मच। ये कैमोमाइल है गुल बाबूना, गुल बाबूना, ये हमने लिया 1 चाय वाला चम्मच। और उपटन, आप किसी भी अच्छी ब्रांड का उपटन ले लें बगैर केमिकल का, हर पंसारी की दुकान पे मिल जाता है। ऑर्गेनिक उपटन, ऑर्गेनिक होता है ये आपने लेने 3 चम्मच। इसे मिक्स कर लें और फिर जितना लगाना हो आपने उतना जो है इसे खीरे के पेस्ट में, अरके गुलाब में, दूध में, दही में, किसी भी चीज़ में इसका पेस्ट बना लें। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अरके गुलाब। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इसको ड्राई फॉर्म में बना के हम रख सकते हैं? जी, ड्राई फॉर्म में इसे बना के आप अपने घर पे रख लें और जितना लगाना हो आप उतना इसमें पेस्ट बना के आप फौरी अप्लाई कर लिया करें। सिर्फ 25 मिनट लगाएं और 5 साल पीछे चले जाएं। अच्छा, इंशाल्लाह। और इसे नरम सा पेस्ट बनाना है। और हकीम साहब, ये किस फ्रीक्वेंसी में हमें इस्तेमाल करना है? क्या चीज़, मतलब हम हफ्ते में कितनी बार इसको लगा? ये रोज़ाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी पार्टी वगैरह में जाना हो आप इसे इस्तेमाल करें, आपको देखने वाले कहेंगे कोई मेगा आप कोई फेशियल करवा के आए। अच्छा, ऐसा लगेगा। अच्छा, इसको लगा के चेहरे पे 25 मिनट छोड़ दें? 25 मिनट छोड़ दें, 25 मिनट के बाद आपने ऐसे करके लगा लेना। ठीक है, लगा लिया। 25 मिनट के बाद आप पानी का स्प्रे करेंगे और हल्के हाथ से रब करेंगे। 1 मिनट रब करना है और चेहरा धो लेना आपने। आप देखना आपका चेहरा कितना साफ होता है इससे और कितना लिफ्ट होता है। सेकेंड एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन, इस तरह आप रोज़ाना भी इस्तेमाल करें। मैंने इसलिए आपको कहा कि जो चीज़ 5 दिन में काम नहीं करे वो 5 साल में भी नहीं करेगी। आप इसे महीना 40 दिन यूज़ करें और छोड़ दीजिए आप। अच्छा, इंशाल्लाह आपके देखने वाले आपको कहेंगे, खुद को नहीं पता चलता, देखने वाले आपको कहेंगे कि आप कितने लिफ्ट हुए और कितना आपका कलर बेहतर हुआ। ये गर्दन जो ब्लैक हो रही है ये उस पर भी इस्तेमाल करेंगे, जो गर्दन पर आपके लाइनें बन रही होती हैं ये उसे भी ख़त्म करेगी। और हाथ पाँव पर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप। सिर्फ 25 मिनट लगाएं, 25 मिनट के बाद आप इसे पानी का स्प्रे करके और हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और छोड़ दें। जबरदस्त। और ये हर एज के लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा हकीम साहब, क्या ये एक्नी के लिए भी फायदेमंद? ये एक्नी वाले जो है फिर मसाज नहीं करेंगे, मसाज नहीं, इसे लगा के छोड़ दें, 25 मिनट बाद चेहरा धो लें। 25 मिनट बाद चेहरा धो लें आप, और इस तरह करेंगे 2-4 दिनों में आपने एक्नी के दाने भी ख़त्म हो जाएंगे, फिर जो उसके निशान रह जाएंगे आप इसका जब पानी का स्प्रे करेंगे फिर आप रब करेंगे ताकि उसके निशान भी ख़त्म हो जाएं, ओपन पोर्स भी मिनिमाइज हो जाएं और कलर भी साफ होता जाए साथ। अच्छा, 2 टोन चेहरा भी ठीक होगा और कलर भी साफ होगा, काली गर्दन भी वाइट होना शुरू हो जाएगी और गर्दन पे जो लाइनें बन जाती हैं ना, झुर्रियाँ आ जाती हैं, हाथों पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, ये उसे भी ख़त्म करेगी। माथे पे रिंकल्स आ रहे होते हैं ये उनको भी ख़त्म करेगी। अच्छा हकीम साहब, जब ये ख़त्म होना शुरू हो जाए लाइंस और झुर्रियाँ, उसके बाद भी यूज़ करते रहेंगे? नहीं, अगर यूज़ करना चाहें कर सकते हैं लेकिन जब एक चीज़ ठीक हो जाए आप उसे छोड़ देना चाहिए। फिर छोड़ दें, छोड़ देना चाहिए फिर मत संभाल। आप ठीक हो, कोनियों पर, घुटनों पर जो जगह डार्क होती हैं, ख़राब हो रहे होते हैं, ये उन पे भी लगाएंगे आप। मैंने इसीलिए कहा कि गर्दन पे, हाथ पाँव पे, सब पे लगा सकते हैं। बादलों के घुटनों पे, टखनों पे ब्लैक निशान हो रहे होते हैं उस पे भी लगा सकते हैं आप, लेकिन 25 मिनट लगाएंगे फिर पानी का स्प्रे करेंगे फिर रब करेंगे आप। 1 मिनट रब करना है और फिर धो लेना है। और हफ्ते में कितनी बार कर सकते हैं? हफ्ते में 3 या 4 बार कर लें। 3 या 4 बार कर लें ऑल्टरनेटिव डेज पे, या 1 दिन छोड़ के। जबरदस्त। हाँ, अगर इसे रोज़ाना भी करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई मेडिकल चीज़ नहीं है। इंशाल्लाह आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जबरदस्त। और ये ज़बरदस्त जादुई चीज़ अब मेरे पास मौजूद है जिस पे शेफ मुनीजा की नज़र है बहुत ज्यादा। अब तो आपको 75 के हो जाएंगे? नहीं, 75 के क्यों हो जाएंगे? क्या मतलब आपको 80 साल को करेंगे? ये ले शेफ मुनीजा, मैं आपसे वादा किया था ये आपका तोहफा। ओए होए होए, जबरदस्त। अब ये आप लगा के 5 साल पीछे, अब मैं आपको जो है ना तकरीबन 16 साल की मिलूंगी। नहीं, आई थिंक 5 साल की।
है ना। हकीम शाह रजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम आपको इजाजत दे रहे हैं लेकिन इस वादे के साथ कि आप जल्द दोबारा आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खवातीन और साथ। आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, शेफुनी हमारे साथ हैं, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आप शो का हिस्सा बने, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग इस वक्त फाइटर राइस बना रहे हैं और जो कि काफ़ी हद तक बन चुकी है। वाह क्या धुआं, धुआं ही धुआं। ठीक है, अच्छा हमने क्या किया था कि सबसे पहले हमने थोड़ा सा ऑयल लिया, 2 से 3 टेबल स्पून, 1 से 2 टेबल स्पून बटर शामिल करा और इसके अंदर फाइन चॉप्ड गार्लिक 1 टेबल स्पून शामिल कर दिया, उसको गोल्डन करा, उसके अंदर हमने चिकन ले लिया। अच्छा आप विद बोन भी ले सकते हैं, आप बोनलेस जूलियन स्ट्रिप्स में भी ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है, कोई हार्ड पसंद हो, जो आपको पसंद हो। ठीक है, अच्छा जनाब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 चिकन क्यूब और साथ साथ इसके अंदर जा रहा है 1 से 2 टेबल स्पून सोया सॉस और जनाब इसके अंदर कुछ मसाले भी जाएंगे जैसे कि ऑरेगेनो का पाउडर 1 टीस्पून। ठीक है, और ज़ीरा पाउडर जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून। ऑरेगेनो अगर डालना ज़्यादा चाहें तो डाल लीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों को ऑरेगेनो और थाइम की खुशबू और इसका फ्लेवर बहुत पसंद होता है। अच्छा इसके अंदर जा रही है कुटी हुई लाल मिर्च और इसके अंदर हम शामिल करेंगे पेपरिका, ठीक है, अराउंड 1 टीस्पून। ठीक है, और इसके अंदर जाएगा सॉल्ट, लेकिन सॉल्ट आपने थोड़ा ध्यान रख के शामिल करना है क्योंकि जो है आपने चिकन क्यूब भी ऐड करा है और आपने सोया सॉस भी ऐड करा है। अच्छा एक और बात बता दूँ, राइस हमने बॉयल कर लिए थे, राइस में अगर ऑब्वियसली आपने सॉल्ट ऐड किया होगा और करते हैं लोग तो उसके उसको मद्देनज़र रखते हुए भी आपने चिकन में जो है वो देख के जो है वो सॉल्ट शामिल करना है। अच्छा इन तमाम को हम जल्दी से थोड़ा सा सौते कर लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके अंदर हम सब्ज़ियाँ शामिल करने जा रहे हैं जैसे कि शिमला मिर्च जो हमने फाइन जूलियन कट की हुई है, प्याज है और टमाटर को डीसीड कर लिया यानी उसकी जो है बीज निकाल दिए और उसको हम इसके अंदर शामिल करें। तमाम सब्ज़ियाँ हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, उसको बहुत ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है क्योंकि ये जो है ना राइस के साथ भी कुक होंगे। अच्छा आप देखें खुशबू कितनी मज़े की आ रही है इसकी, है ना। अच्छा चीज़ें वही होती हैं, सब्जियां भी वही हैं लेकिन कुछ डिफरेंट वेरिएशन के साथ बना ली। अब हम लोग यूजुअली क्या स्टिक करे हुए होते हैं, बिरयानी, कोई दावत है बिरयानी बना ली, पुलाव बना लिया या सिंगापुरियन राइस का बड़ा ट्रेंड चला था, तो कुछ डिफरेंट क्यों नहीं। मुझे तो नहीं पसंद सिंगापुरियन राइस, लोगों को बहुत पसंद है, बहुत शादियों में आप देखें कितने कितने बनने लग गए हैं। तो आप तो वैसे भी भूख कर रहे जाके सिर्फ सिंगापुरियन इतना खाएंगे शादी में तो नापसंद ही होगा ना ये बात। इतना भी नहीं, क्या हो गया शादी से, लो आप सीरियस क्यों हो गए? नहीं नहीं मतलब सीरियस क्यों हो गए? नहीं सीरियस ही मैं वैसे कह रहा हूं, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया जो मैंने उस दिन वो लोग भी आके उन्होंने बनाया था ना, वो जो आपके फ्रेंड हाँ। लेकिन देखिए सिंगापुरियन राइस एक्चुअली कोई रेसिपी नहीं थी सिंगापुर से, ठीक है ठीक है, इसको कोई केटर ने 2-3 चीज़ें मिला के बना दिया और वो क्रिएट हो गई और ये पाकिस्तान में ही क्रिएट हुई थी। अच्छा। ये कोई सिंगापुर की डिश नहीं। अच्छा जिस तरह आप उस दिन कहते ना कश्मीरी पुलाव कश्मीर में और अफगानी पुलाव अफगानिस्तान में, लेकिन कश्मीरी चाय तो कश्मीर में होती है। हाँ जी वो तो होती है। अच्छा इसके अंदर हम ये राइस शामिल करने जा रहे हैं जो हमने पहले से बॉयल करे हुए थे। अच्छा आप देखिए आपके पास लेफ्ट ओवर राइस है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा पुराना चावल, पुराना चावल नहीं जिसे एक दिन पहले आपने बनाया है और बच गया है और लंच में आपके पास टाइम नहीं है तो आपने जल्दी जल्दी जो है, अब इसमें मैंने क्या गलत कह दिया? ठीक है तो कुछ मैंने गलत किया है क्या? नहीं नहीं ये लोग सब हंस रहे हैं ऐसी क्या बात हो गई। अच्छा जो भी है इग्नोर करो यार छोड़ो। अच्छा बस इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे यहाँ पर और दैट्स इट, इसको थोड़ा सा हम जो है वो ढक के कवर करके गर्म करेंगे और ये हमारे फ़हीता राइस जो है बिल्कुल तैयार। थोड़ा सा हम इसको कवर करेंगे ताकि राइस जो हमारे ठंडे हो गए थे वो थोड़े से गर्म हो जाएं और उसके फ्लेवर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएं। ठीक है खुशबू इतनी मज़े की आ रही है। ये फ़हीता राइस है इसके ऊपर हम क्या नॉर्मल केचप डाल के खाएँ या? इट्स अप टू यू, वैसे राइस के साथ केचप जो है बहुत कम लोग खाते हैं। राइस के साथ मतलब इस चाइनीज में तो खाते हैं, राइस में कौन डाल के खाता है केचप? कि मैं खाता
चाइनीज राइस होती है, एग फ्राइड राइस, हाँ उसमें खा सकते हैं, इसमें भी खा सकते हैं अगर आप खाना चाहें तो, वरना इसके अपने फ्लेवर इतने हैं कि आप ऐसे भी खा सकते हैं। अच्छा इन आपकी बात से ना मुझे मेरी एक फ्रेंड याद आ गई, मेरी स्कूल फ्रेंड थी, वो दाल चावल के साथ केचप खाती थी, वो बिरयानी के साथ केचप खाती थी, इवन कोई सालन रोटी खा रही थी, कितनी मतलब किस दुनिया की हो भाई। तो ऐसे भी लोग होते हैं। और आपकी आपकी फ्रेंड ये सब करती थी, क्या क्या नाम आपकी फ्रेंड का? उसका नाम मैं हाँ नहीं बताऊंगी, फिर भी मुझे बताना। क्यों बताऊँ आपको? क्यों बताऊँ आपको? क्यों बताऊँ? अच्छा इसी तरह एक और आई नो अ पर्सन, वो वाटरमेलन तरबूज को केचप के साथ, तरबूज और केचप, हाँ क्योंकि कहीं वो इफ्तारी पे गई होंगी और वहाँ पे ना वो अक्सर सारी चीज़ें एक ही प्लेट में डाल के दे देते हैं ना इफ्तार के वक्त, कहीं खाया होगा उन्होंने या उन्होंने बुफे में लिया होगा तो वो केचप और तरबूज मिल गया था तो उन्होंने वो खा लिया। अब वो उनको इतना मजे का लगा है कि वो तरबूज के साथ केचप खा रही होती है। शबनी सर इस तरह के सारे लोगों को आप ही क्यों जानते हैं? मैं तो आपको भी तो मैं जानती हूँ ना। हाँ ये बात होती है, देखिए टिट फॉर टैट, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल से कौन जीता? आप। आए हाय हाय, देखा इसलिए तो मैं किचन क्वीन हूँ, मेरा ताज का है, वेयर इज माय क्राउन। एक मैंने बड़ा अच्छा कल शेर पढ़ा था, हाँ। कि अगर बड़ा बड़ा अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है, अगर मैं हार जाऊँ तो क्या तुम जीत जाओगे, अगर मैं हार जाऊँ तो क्या तुम जीत जाओगे, तुम जीत जाओगे चलो फिर मैं हार जाता हूं। अरे वाह 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 वाह, बहुत है ना, बहुत जबरदस्त। मैं समझी कोई मजाक करने वाले, लेकिन बहुत जबरदस्त। मेरे ख्याल से एटीट्यूड यही होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। आई थिंक बहस बहुत अपन जिंदगी में हम लोग बहस मुबाइस में पड़ जाते हैं, एक जीतने की हम उसमें दौड़ में लग जाते हैं। एक इंग्लिश की बड़ी मशहूर सेइंग है कि यू शुड ऑलवेज लूज एन आर्ग्यूमेंट टू विन द सिचुएशन। आप जो एक ज़बरदस्ती का एक बहस होती है, आप कभी कभी एक बात ट्राई ज़रूर कीजिएगा ज़िंदगी में कि हम एक बहस जीतना चाहते हैं, वो बहस जीत के हम कभी कभी अपने बड़ों को हराना चाहते हैं या अपने बॉसेस को उस बहस में हराना चाहते हैं। आपको हमेशा से अकल इस्तेमाल करनी चाहिए, एक बहस जीत के कुछ हासिल नहीं होता, आपको वो सिचुएशन जीत जानी चाहिए। सही कह रहे हो। अच्छा एक बात और जो मैंने हमेशा अपनी मदर से सीखी, वो हमेशा एक बात कहती थी कि बेटा एक चुप और 100 सुख, कि अगर आप चुप हो जाते एक चुप 100 सुख, है ना, ये आपकी अम्मी से गाती थी। हाँ। आपको लेकिन अफसोस सीखा नहीं आपने ये। तो बेचारी वो इतना आपको बताती नहीं। खैर एनीवे कोई बात नहीं, बच्चों को वालदा की बात। बिल्कुल बिल्कुल, आप सुनते बड़े अपने माँ बाप की बातें हैं। आई थिंक सर्व कर देते हैं, सर्व कर देते हैं, गर्म भी हो गया। देखें ये धुआं निकल रहा है और ये बिल्कुल डन हो चुका है और इसको मैं लेट को इधर नीचे रखती हूँ, ठीक है। एक दफ़ा इसको दोबारा से मिक्स कर लेते हैं ताकि सब एक साथ मिक्स हो जाए और फिर इसको हम निकालते हैं। और बड़े मज़े की जो है वो जो इस वक्त शिमला मिर्च की खुशबू आ रही है वो बड़ी अच्छी आ रही है। क्यों नहीं संभाल के लकड़ी वाला? वो उससे इजीली निकलेगा नहीं ना, इसलिए मैं ये वाला स्पून निकाल रही हूँ क्योंकि वो फ्लैट है इसलिए। ठीक है ठीक है ओके, तो ये हम स्पून यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। सुनो नॉन स्टिक पैन में स्पून यूज़ कर सकते हैं? देखिए आप पकाते वक्त तो मैं यूज नहीं कर रही ना इसको, ठीक है, अच्छा, मैं सिर्फ डिश आउट करने के लिए यूज कर रही हूँ। तो आप आई थिंक स्कूप है तो ज्यादा निकल आएगा। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, अगर आप पकाने में यूज करेंगे तो ऑब्वियसली आपका नॉन स्टिक पैन जो है वो खराब होता है, सिर्फ मैं निकालने के लिए उसको यूज कर रही हूँ, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये टंगड़ी जो है बहुत से लोग लेग पीस खाना पसंद करते हैं तो इसको हम यहाँ रख देते हैं और इसको हम कवर कर देते हैं। Okay. खाना नीचे नहीं फेंकना चाहिए। अच्छा जी, ये हमारे जो है फ़ैता राइस बिल्कुल तैयार है। जल्दी से रेसिपी बता दो, जल्दी से इसकी रेसिपी बता देते हैं। आपने ऑयल लेना है एक पैन के अंदर, उसके अंदर आपने बटर थोड़ा सा शामिल कर देना है अच्छी खुशबू अच्छे फ्लेवर के लिए, साथ साथ उसके अंदर एक टेबल स्पून जो है वो चॉप्ड फाइन चॉप्ड बारीक कटा हुआ लहसुन शामिल कीजिए, उसको गोल्डन कर दीजिए, उसके अंदर चिकन शामिल कर दीजिए, विद बोन लेना चाहे बोनलेस लेना चाहे। हमने 500 ग्राम चिकन ली थी, आप 500 ग्राम चिकन ले लीजिए और उसके अंदर उसको आपने कुक कर लेना। जब वो डन हो जाए तो उसके अंदर तमाम मसाले शामिल करेंगे, जैसे कि हमने दो चिकन क्यूब, एक चिकन क्यूब का जो पैक था उसमें दो होते हैं वो हमने शामिल करे थे। उसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून तक सोया सॉस शामिल करा था, 1 टीस्पून ओरिगैनो शामिल करा है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर शामिल करा है, 1 टीस्पून क्रश चिलीज़ यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करी है, सॉल्ट हसब जायका शामिल करना है क्योंकि आपने राइस बॉयल्ड यूज़ कर रहे हैं या प्री कुक्ड राइस हैं या आपके पास ऑलरेडी कोई लेफ्ट ओवर राइस है वो यूज़ करे तो उसमें सॉल्ट ऑलरेडी एडेड होता है, तो आपने जो है थोड़ा सॉल्ट देखते हुए शामिल करना है। और इसके अंदर जो है हमने
ये तमाम चीज़ें शामिल करी और इसके अंदर तमाम सब्जियां शामिल करी, जैसे कि शिमला मिर्च शामिल करी, कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च ही तो कैप्सिकम है, टमाटर शामिल करें और प्याज शामिल करी, और आप चाहें तो कॉर्नज ऐड कर दें, आप चाहें तो लोबिया ऐड कर दें, इट्स अप टू यू, जो जो आपके पास घर में हो आप वो ऐड कर सकते हैं इसके अंदर फ्लेवर के लिए। और उसके बाद आपने जो राइस थे वो इसके अंदर मिक्स करें, थोड़ा सा दम पे रखें ताकि फ्लेवर्स आपस में एक दूसरे में मिक्स हो जाएँ, और डन है हमारे जो फ़ैता राइस है बिल्कुल डन। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ मुनीजा, अब आप 5 साल पीछे चले जाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू हमेशा खवातीन और हजरात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। शेफ मुनीजा बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हमारे शो में 4 चांद लगाती हैं, जिसके लिए हम हमेशा आपके शुक्रगुजार हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, जरूर ट्राई कीजिएगा। लेते एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हजरात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं। वक्त हो जाता है रोशन राहें का, और रोशन राहें में हम हमेशा आपकी मुलाकात उन शानदार खवातीन और हजरात से कराते हैं जो कि कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नया बिजनेस कर रहे हैं, फारिग नहीं बैठे हुए, और आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन का काम कर रहे हैं, और आप लोगों को एक नया बिजनेस, एक नया हुनर सिखा रहे हैं ताकि आप वो हुनर अपना के अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सके, कुछ नया कर सके ज़िंदगी में। हमारे साथ एक बहुत ही शानदार शख्सियत मौजूद है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग काम करती है, हमारे साथ है तानिया रोगाटिया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग तानिया, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? ठीक है, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला शो के लिए। थैंक यू। आप एक शानदार काम करती हैं, आप 14 अगस्त पर भी आई थी और आपने बहुत ही खूबसूरत मेरे लिए एक चॉकलेट की ट्रे डिज़ाइन की थी, डेकोरेट की हुई थी, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव इट द वे यू डेकोरेटेड। आज आप क्या करें और ऑडियंस को आप क्या सिखा रही हैं? द स्टेज इज योर्स। आज मैं आपको जो सिखा रही हूँ, आई एम गोइंग टू टीच यू टू थिंग्स, और उसमें एक चीज़ ये है कि ईजी टू गो, हम किस तरह से गिफ्टिंग कर सकते हैं, गिफ्ट रैपिंग कर सकते हैं। हमारे पास लाइक एक तो मैं आपको चॉकलेट प्लेटर सिखा रही हूँ और एक चॉकलेट बकेट सिखाऊंगी कि चॉकलेट प्लेटर्स ऐसी चीज़ होती है कि आप आराम से अपने किसी भी फ्रेंड को, भाई होता है कभी कभार हमारे टाइम नहीं होता कि हम कहीं जाकर कुछ परचेज़ कर सकें, तो इट्स ईजी कि आपके घर में भी अगर कोई चीज़ है तो आप उसको किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो आई एम गोइंग टू टीच यू वन चॉकलेट प्लेटर, तो वो मैं आपको तरीका उसका बताती हूँ कि किस तरीके से है। इट्स जस्ट लाइक अ सिंपल प्लेट जो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, इसमें आप कुछ भी नहीं करना, आपने थोड़ा सा बस इसमें आपने ग्रासेस को ऐड करना है। ये बहुत इजीली अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर, आपको मिल जाएगा। आपने सिर्फ इसको इस पर स्टकअप करना है कि अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखें, कोई भी चीज़ आप इसमें यूज़ करेंगे वो आप इसको स्टिक ज़रूर करेंगे, क्योंकि स्टिक के बगैर वो चीज़ रिलाई नहीं करेगी। तो आई एम गोइंग टू पुट सम ग्रास, ये फिलर्स आपको बहुत ईजीली मार्केट में अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। और इसको लगाने के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ ग्लू स्टिक्स। ये ग्लू स्टिक्स भी मार्केट में अब बहुत इजीली अवेलेबल है, आपको आराम से ग्लू गन, ग्लू स्टिक आराम से मिल सकता है। इसको प्रेस करते जाएंगे, ये इसमें आपने हल्का सा लगाया, इसमें आपने देन यू हैव टू कि आपने जो ग्रासेस ली थी ये फिलर्स, वो आपने इसमें स्टिक कर दिए। स्टिक करने के बाद इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी, ये पोजीशन आ जाएगा इसका, ठीक है। आफ्टर दैट आप इसमें चॉकलेट्स पुट अप कर सकते हैं, अच्छा चॉकलेट्स को भी आपने एक एक चॉकलेट्स को इसमें ग्लू करके और इसमें स्टिक करना है लाइक दिस, ताकि वो अपनी जगह पे जमी रहे। जी ये स्टिक होगा क्योंकि आप जब बाय द टाइम उसको कवर करेंगे नेट के साथ या रैपिंग शीट के साथ, तो गिरेगा, वो गिरेगा नहीं, फॉल डाउन नहीं होगा। आप सिर्फ रखते भी जाएंगे वो अपनी जगह पे स्टिक होता चला जाएगा। इट्स वेरी इजी, बहुत जल्दी बन जाता है और टेंशन भी नहीं होती कि अब कहीं बाहर जाकर लेना पड़ेगा या टाइम कंज्यूमिंग है, हम जा नहीं सक रहे, तो ये बड़ा इजी काम होता है। मैं भी अक्सर यही चीज़ करती हूँ। जितना आपको इसमें चॉकलेट पुट अप करना है आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू।
बट फिनिशिंग का प्लीज ख्याल रखिएगा। मैंने इसमें अब चॉकलेट्स कर दिया है, आप देख सकते हैं, और चॉकलेट्स अपनी जगह से हिल भी नहीं रही क्योंकि वो स्टिक हो चुका है पूरा। देन नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, घर में नेट हो आपके पास, आपके पास ऑर्गेंजा का पीस हो, नेट का पीस हो, या शिफॉन का कोई पीस हो, तो कोई भी चीज़ आपको इजीली अवेलेबल हो सकती है घर में। और थोड़ा बहुत तो रैपिंग का सामान हम लेकर रखते भी हैं घर के अंदर। आई एम जस्ट गोइंग टू फिल, इस तरीके से आपने इसका बुश बनाना है। अब आपने अगर इसमें फ्लावर्स लगाने हैं तो बुश को आप साइड पे ले जा सकते हैं। इसको आपने एक रिबन से छोटी सी एक रिबन कट करके इसको पूरा इसके साथ ओवरलैप कर लेना है ताकि आप इसको टाई कर दें और ये कवर हो जाए इससे, लाइक दिस। तो बिल्कुल टाइटली आपने नॉट बांध देनी है। उसके बाद आपने इसको कट कर देना। फिर ये बुश अगर आपको बड़ा लग रहा है तो आप इसको थोड़ा सा इसका शेप दे देंगे। मैं थोड़ा सा शॉर्ट रखती हूँ ताकि जो मैं फ्लावर्स लगाऊँ वो इनहेंस होने चाहिए, डेकोरेशन जो आपका है वो इनहेंस होना चाहिए, जो इसकी ब्यूटी है एक्चुअल। ये हमने इसको पूरा टाई कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ कि मैं इसमें दो तरह की रिबन्स का कलर कर रही हूँ। अच्छा, कलर कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा ख्याल रखें आप इसके साथ। जैसे ये लाइट कलर की नेट है हमने यूज़ की है, तो हम जो इसमें रिबन्स यूज़ करेंगे वो पिंक और पर्पल के हम फ्लावर्स इसमें यूज़ करेंगे, तो कॉम्बिनेशन भी अच्छा रहेगा और मतलब लाइवली लुक भी देगा। रिबन्स हो गई, लेसेस हो गई, ये हमारे पास अवेलेबल होती है अमूमन औरतों लेडीज़ के पास ही अवेलेबल होता है ये घर में। ये हमने इसको कट कर दिया। अब दोनों रिबन्स को मैं टाई करूँगी एक साथ। और इसके बोज बना दूंगी। मिक्स करके दोनों के बोज बना दूंगी। बोज इजी होता है बहुत ज्यादा, आपने इस तरह से लेके इसको टाई कर देना है। वो बन चुका है हमारा रिबन्स का। अब हम इसमें फ्लावर का डेकोर करेंगे। फ्लावर के लिए आपको इजीली अवेलेबल है, ये फ्लावर्स मार्केट में मिल जाते हैं आपको, जो ये हमारे जो स्टेशनरी शॉप्स होती हैं वहाँ पर भी आजकल फ्लावर्स अवेलेबल होते हैं। अब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें यहाँ पर मुश्किल से मिले या मतलब मिलती नहीं है। पहले बहुत मुश्किल होता था ढूंढना, लेकिन नाउ इट्स वेरी इजी कि हर जगह अवेलेबल होता है। तानिया, मेरे ख्याल से घर में आपके बहुत सारे ऐसे गुलदान भी होते हैं जिनमें exactly. फूल पड़े होते हैं, और कभी कभी आप वो पुराने गुलदान पुराने फूल ऊपर कहीं स्टोर वगैरह में रख देते हैं। हाँ. तो आई थिंक आप उनको वॉश करके दोबारा से इस तरह बड़ा अच्छा यूज कर सकते हैं। आप यूज कर सकते हैं कोई भी चीज। मैं आपको एक चीज बताऊं, नथिंग इज के आप उसको ये समझें कि वो वेस्ट हो गया है। हाँ, कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, नथिंग इज वेस्ट। आप अगर चाहें तो उसमें अपना माइंड क्रिएट कर से चीजें अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। माइंड को मतलब एक्टिव करें कि इस चीज़ को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, तो हर चीज़ आपको ऐसा लगेगी कि ये चीज़ हमारी फेंकने जैसी है ही नहीं, या बिन में हम इसको वेस्ट ना करें। मैं इधर लगा रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ का और भी ख्याल रखें कि जो फ्लावर्स आप यूज़ करें वो ऐसा नहीं है कि सब चीज़ को हम भर देते हैं। थोड़ा सा ऐसा होता है कि समटाइम्स लोग भर देते हैं, कोई भी चीज़ को डेकोर करने के लिए बहुत सारे फ्लावर्स लगा देंगे। तो आप वो चीज़ करें कि जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं वो एक एक चीज़ आपकी प्रोमिनेंट होनी चाहिए। रिबन आपका प्रोमिनेंट होना चाहिए, आपका फ्लावर प्रोमिनेंट होना चाहिए, पर्ल्स यूज़ कर रहे हैं वो प्रोमिनेंट होने चाहिए।
तो उससे आपकी चीज़ लगती है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप चार फ्लावर हैं तो पूरे चार फ्लावर लगा दें, इट्स नॉट नेसेसरी। थोड़ा एस्थेटिक्स पे ध्यान दें। हाँ, वो भी यूज़ करें, भद्दा भद्दा और खौफनाक ना लग रहा है। Exactly. और ये भी ना लग रहा है कि बददली से तैयार की, क्योंकि लोग समझते हैं कि भरी हुई चीज़ होगी तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, नॉट रियली कि ये चीज़ भी खूबसूरत लगे, एस्थेटिकली अच्छा लगना चाहिए। अच्छा, अब मैं इसमें सिर्फ दो से तीन फ्लावर्स यूज़ करूँगी, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी। वैसे आपने कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा किया है ना, बहुत ऑल थिंग इज कि इस जो आप गिफ्ट रैपिंग वगैरह करते हैं ना, इसमें आपकी कलर स्कीमिंग बहुत मैटर रखती है। अच्छा, वैसे तानिया, जो खवातीन या जो हजरात ये कलर थ्योरी में थोड़े वीक होते हैं, इनको ये आइडिया नहीं होता, वो ये कहाँ से सीखे? गूगल पे सर्च करें, ठीक है, यूट्यूब पे सर्च करें। अभी मैं आपको बताऊं, जिस टाइम पे मैं लर्न कर रही थी उस टाइम पे इतनी सब चीज़ें नहीं थी, ना गूगल था ना यूट्यूब था, कुछ भी नहीं था। जो टीचर सिखाती थी या जो चीज़ें हम लर्न करते थे अपने क्लासेस में, हम वही चीज़ों को देख रहे होते थे। लेकिन अभी हमारे पास ये चीज़ें हैं कि अगर आप सर्च करें तो फेसबुक पर भी बहुत सारे क्रिएटिविटी जो आपको यूएस के भी लोग सिखा रहे होते हैं। अभी इनिशियली मैंने थोड़े टाइम पहले यूएस की एक फ़ीमेल हैं, उनकी मैंने क्लासेस ली थी ऑनलाइन, क्योंकि वो मैंने जब ऐसी सर्च कर रही थी फेसबुक पे आया, तो मैंने उनको फिर ऑनलाइन के लिए अप्लाई किया और मैंने वो क्लासेस ली। तो वो पूरा टेबल डेकोर था आपका, जैसे आपके घर में कोई दावत हो तो आप अपने घर में किस तरीके से टेबल को डेकोर कर सकते हैं, फूड सर्विंग किस तरह से कर सकते हैं, सैलड बार कैसे बना सकते हैं, तो वो पूरा उस चीज़ पे क्लासेस थी। तो अब तो बहुत ज़्यादा हमारे पास चीज़ें आ चुकी हैं। और ये कितनी अच्छी बात है खवातीन हज़रात तानिया की, कि तानिया ये काम इतने सालों से कर रही हैं लेकिन अभी तक जो लर्निंग प्रोसेस है वो ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी ऑनलाइन क्लासेस ले रही है ताकि कुछ नया सीख सके। और यही चीज़ मैं चाहता हूँ कि सारे पाकिस्तानियों में, जितने भी लोग घरों में कुछ काम नहीं कर रहे, वो कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते हैं। आपको इस ज़िंदगी अल्लाह ताला ने किसी मकसद के तहत दी है और वो मकसद हमें ढूंढना है। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे। खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। तानिया रुगाटिया ने इन रिकॉर्ड टाइम और सिर्फ अकेले विदाउट एनी हेल्प इतनी जबरदस्त तरीके से ये गिफ्ट रैप किया है, मैं आपको क्या बताऊं, हैट्स ऑफ टू यू तानिया। और आपने कुछ भी इतनी ज्यादा, मतलब मुझे नहीं लगा कोई मुश्किल काम है ये, अगर कोई करना चाहे तो। हाँ, मुश्किल पता है, मुश्किल कुछ भी नहीं है असवर। मेन थिंग इज ये है कि आपका अगर माइंड क्रिएटिविटी पे है तो आप हर चीज को इजीली कम बिल्कुल सही। और मुझे लगता है हर चीज का आपको, आपके अंदर जिस चीज का शौक है, लाइक के मेरे पास जैसे अब ये वाली रिबन्स हैं, मैं रिबन से थोड़ा सा इसको ये ब्लिंक क्यों कर रही हूं कि थोड़ा सा ये वाइब्रेंट हो जाए और नजर हो जाए। इट्स जस्ट डन, ओह एंड इट लुक्स स्वीट एंड सिंपल। ये देखिए एक, प्लीज इसका क्लोजअप बनाइए जरा, ब्यूटीफुल, लुक एट दैट, हाउ नाइस। मुझे जो बेहतरीन चीज इसकी लगी है ना, इसके अंदर ये सारी वो चीज़ें जो आपके घर में मौजूद होंगी, आपको कहीं से गिफ्ट मिला होगा उसमें नेट होगा, वो नेट मत फेंकिए, जो घर में पुराने गुलदान हैं उनके फूल मत फेंकिए। और ये जो सीरियसली मुझे लगता है आप आराम से रीयूज भी कर सकते हैं। पता है मुझे कोई चीज़ गिफ्ट में आती है, अवल हाँ। तो मुझे इस तरीके से ब्यूटीफुली कोई गिफ्ट करता नहीं हाँ। है, वंस कभी आ जाए तो वो उसके कोई बोझ होते हैं, कुछ होते हैं, मैं वो सब चीज़ें निकालती इस तरीके से हूँ, उसको प्लग ऐसे करती हूँ कि उसको फिर मैं रख देती हूँ, वो कहीं ना कहीं मैं यूटिलाइज ज़रूर करती हूँ। या वो एक तरीके से एक रिमेम्बरेंस होती है कि आपके पास ये किसी ने आपको गिफ्ट किया था। तो इस तरह से आप चीज़ों को बहुत अच्छा बना सकते हैं और कम चीज़ों में अच्छी चीज़ बन जाए। बिल्कुल सही, और आई थिंक आपने ज़्यादा कोई चीज़ें यूज़ भी नहीं की। नहीं, एक चीज़ और है कि अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं, सोच लेते हैं, फिर आप उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन भी जो है वो करके ही रखते हैं। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से गिफ्ट रैपिंग एक बहुत ही ज़बरदस्त है। मुझे याद पड़ता है तकरीबन कोई आई थिंक 15 साल पहले एक दुकान होती थी रैपेबल्स, जहाँ रैपेबल्स, और वहाँ पे पहली बार मैंने देखा था कि जो पन्नी होती है जिसको जेल भी कहते हैं, जो लाइट्स पे लगती है, उसके उससे रैप करते थे। मुझे लगता था इतनी एक नई सी चीज़ थी उसमें रैप करना। कुछ चीज़ें ऐसी होती थी कि हम जब देखते थे ना तो बहुत एक्साइटेड हो जाते थे, ये भी यूज़ करेंगे, ये भी देखेंगे, ये भी आएगा। जब मेरा स्टफ बाहर से आता था तो कुछ नया नया आता था, फ्लावर्स के कुछ फिलर्स वगैरह आते थे जब मैं अपने आउटलेट्स में सारी चीज़ों को वो करती थी,
तो मैं बड़ी एक्साइटेड होती थी अरेंजमेंट्स बनाने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि आज मैं नई कोई चीज़ यूज़ करूँगी, नया फिलर यूज़ करूँगी, नया फ्लावर यूज़ करूँगी, कुछ डिफरेंट बनाऊँगी, कुछ एके बाना स्टाइल से रिलेटेड कुछ इंटरनेशनल लेवल पर बनाऊँगी। तो इट्स लाइक अ फॉर्म्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं। इंशाल्लाह मौका लगेगा तो कभी आपको एके बाना भी बताएंगे। प्लीज़, मुझे याद है PTV2 पे एके बाना के प्रोग्राम्स आया करते थे बैक इन द डे। अच्छा, अभी हम क्या करें? अब इट्स जस्ट लाइक बच्चे हैं हमारे घर में, बच्चों को बड़ा होता है। जब मेरी एज थी तो मेरी अम्मी मुझे ना दोस्तों को गिफ्ट करने के लिए चीज़ें खरीदने बाहर से नहीं जाने देती थी। तब बड़ा उस टाइम पे होता था कि यार काश ये चीज़ें उस वक्त आती तो हम बहुत अच्छे से इसको प्रेजेंटेबल तरीके से हम अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते थे। उस वक्त छोटे थे तो पॉकेट मनी पे ही अपना हर चीज़ को करना पड़ता था। लेकिन नाउ इट्स लाइक कि आपके पास अगर बच्चों की कोई भी चीज़ है, जैसे बच्चे हैं आपस में अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट करना चाहते हैं, तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे पास बकेट्स हो गए, बाल्टियाँ हो गई, मतलब कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चों के टॉयज़ में से निकल आती हैं। जैसे ये जस्ट लाइक अ इट्स अ बकेट, आप इसको मैं किस तरीके से एक अगर किसी को गिफ्ट करना है, किसी बच्चे को अपने फ्रेंड को गिफ्ट करना है, तो वो किस तरीके से इसको यूटिलाइज़ कर सकता है और कैसे इसको चॉकलेट बकेट बना के दे सकता है घर में बैठे बैठे। मतलब ये भी नहीं है कि बाहर जाके परचेजिंग करनी पड़ेगी, तो वो मैं आपको तरीका बताती हूँ। अच्छा, ये ओएसएस है, थर्मापोल भी यूज़ कर सकते हैं, ओएसएस भी यूज़ कर सकते हैं, वॉट एवर इज़ कन्वीनियंट फॉर एवरीवन वो इसको यूज़ कर सकता है। इसको हमने सिर्फ कट करना है। अच्छा, इस ओएसएस में सबसे बेस्ट पार्ट आपका ये होता है कि पतले से पतला भी अगर स्टैम्प है ना, वो ओएसएस में टक करके इंसर्ट हो जाता है, थर्मापोल में नहीं होता, मुश्किल से जाता है। अच्छा, मैं सिर्फ इसका इतना सा पीस यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर, एंड इट्स जस्ट लाइक के इसमें अगेन हमने ग्लू गन लगाना है, ग्लू गन से इसको पूरा स्टिक करना है। ये हमने कर दिया इसमें स्टिक, बैलेंस करना है पूरी तरीके से, एंड नाउ ये इसमें स्टक अप हो चुका है। उसके बाद हम अगेन इसमें इसकी फिलिंग करेंगे ताकि ये जो ग्रीन स्टफ है ये नज़र ना आए। हम इसमें यही फिलर्स यूज़ करेंगे, आप वाइट ले सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट, आप येलो पिंक, बस अपने कलर थीम को दिमाग में रखते हुए आपने चीज़ों को यूज़ करना है। आई एम जस्ट यूजिंग दिस ग्रास अगेन, इसको पूरा ग्लू से वो करके फिल करना है लाइक दिस। भले ये आगे पीछे निकल भी रहा हो तो उसकी अपनी ब्यूटी है, उससे कोई वो नहीं है कि सब अंदर चला जाए। यू कैन कीप इट लाइक दिस, इसको पूरा स्टिक किया। आफ्टर दैट अब हमारे पास है, बच्चों का है तो ऑब्वियसली बच्चे चाहते हैं कोई टैडी लग जाए, कोई डॉल लग जाए, फीमेल बच्चियाँ हैं तो वो डॉल्स की तरफ जाती हैं, बॉयज़ हैं तो वो टैडीज़ वगैरह को ज़्यादा यूज़ करते हैं। आई एम गोइंग टू यूज़ दिस टैडी, इसको हाइट देने के लिए मैं इस स्टिक का यूज़ कर रही हूँ। ये बारबेक्यू स्टिक्स हैं, ये इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं और हम घर में भी हमारे पास अवेलेबल होती हैं। थोड़ा सा अपनी चीज़ों को हाइटेड रखना है ताकि वो नज़र और एम्फेसाइज होता है। अगेन वही वाली बात है कि जो भी चीज़ आप यूज़ करेंगे उसको आप स्टिक करेंगे। मैंने ये टेडी लगा दिया इसके अंदर। अब इसमें मैं चॉकलेट्स और फ्लावर्स को किस तरीके से इसमें यूज़ करना है वो मैं आपको तरीका बता रही हूँ। फर्स्ट हम चॉकलेट्स को इसमें वो करेंगे, में आपको इजीली ये जो पॉइंट होता है आपने पॉइंट इसके अंदर स्टिक करना है, एंड देन ज़रूरी नहीं है मैंने उसमें रिबन यूज़ किया था तो मैं इसमें भी रिबन यूज़ करूँगी, इट्स नॉट नेसेसरी।
अब मैं चॉकलेट को अपने पॉइंट के हिसाब से, इसमें अगर 5 to 6 चॉकलेट्स भी लगेगी तो वो इनफ है, क्योंकि फ्लावर भी आ रहा है आपका, टेडी भी आ रहा है वो भी नज़र आ रहा है, फ्लावर्स भी नज़र आएंगे और चॉकलेट्स भी आपकी नज़र आएंगी। ठीक है, मैं गोल्ड और वाइट का टच रख रही हूँ, तो इसके साथ जो मैं फ्लावर्स यूज़ करूँगी वो कॉम्बिनेशन में पीच पे जाऊँगी, क्योंकि वाइट के साथ पीच का और गोल्ड के साथ पीच का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है। ये बंच है मेरे पास जो पीच और ऑफ वाइट में है, इसकी मैं अगेन कटिंग करूंगी कटर से। कहीं कहीं हमें फ्लावर्स का इफेक्ट देना है, जरूरी नहीं कि पूरा भर दें उसको। जहाँ फ्लावर आएगा वहाँ चॉकलेट नहीं आएगा, जहाँ चॉकलेट आएगा वहाँ फ्लावर्स का आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह नजर आना चाहिए। लास्ट चॉकलेट लगा के हम इसको एंड कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि आप 4, 5, 6 चॉकलेट्स में भी इसको एक अच्छा लुक दे सकते हैं। कैन सी दिस, ये ऐसी चीज़ है कि बच्चे इजीली अपने फ्रेंड्स वगैरह को गिफ्ट कर सकते हैं और बहुत क्विकली आप बना भी सकते हैं, इसमें इतना टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। और काफी दफा इस तरह की जो आपने छोटा सा बैर लगाया, इस तरह की छोटी छोटी कीचेन्स भी आती हैं, आप उनको भी स्टिक कर सकते हैं। Exactly. जिसके के वो होता है कि हम रख देते हैं, यूज नहीं करते, कबर्ड्स पे लगाते हैं करते, लेकिन समटाइम्स नहीं भी यूज करते, तो वो चीजें भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल, ये हमारे पास घर में अवेलेबल होता ही है। बिल्कुल सही बात है, एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड कि आपने इतने रिकॉर्ड टाइम में और अकेले ये काम कर लिया। ये चीजें वो है जो कि आप लोगों को जरूर सीखनी चाहिए, और ऑफ कोर्स आप कितने, हम लोग इतनी दफ़ा इतने स्पेशल लोगों को ऐसे ही गिफ्ट दे देते हैं एक अच्छे से बैग में डाल के, हम लोग मुझे लगता है वो एफर्ट नहीं करते जो हम पहले करते थे चीज़ों को डेकोरेट करने में। ऑल थिंग इज कि आपने अपना माइंड कहाँ रखा हुआ, हम माइंड यूज नहीं करते। बिल्कुल, हम भी पहले, मैं भी नहीं यूज करती थी। मम्मी कहती थी ना घर में कुछ होगा रख के दे दो, ये कर दो, होता था पहले, लेकिन हम यूज नहीं करते थे, नहीं हमें तो बाहर से ही चाहिए। लेकिन जब आप एक फील्ड में आते हैं और इस चीज़ में जब मैंने अपना प्रोफेशन बनाया, फिर मेरा दिमाग काम करता था कि मेरे पास घर में ये भी चीज़, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता था क्लासेस के दौरान चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते थे, तो फिर घर में मैं चीज़ें ढूंढती थी, मेरे टॉयज में से कितनी चीज़ें निकल कर आती थी, कितना स्टफ़ मुझे घर में से मिल जाता था, नेट मिल गई, दुपट्टा कोई मिल गया, कभी बच्चों के पुराने खिलौने होते हैं उनमें इतनी चीज़ें आप वैसे ही फेंक देते हैं, वो चीज़ें कितनी, फ्रूट बास्केट्स मिल जाती हैं आपको, किस तरीके से आप कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में होती हैं, हमारी नज़रों के सामने होती हैं, लेकिन हम माइंड अपना यूज़ नहीं कर रहे होते। वंस हम यूज़ करें तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तानिया थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया। तानिया रुगाटिया ने क्या ज़बरदस्त ये काम किया है, ब्लूमिंग लेन नाम है आपकी कंपनी का।
ब्लूमिंग लेन है इंस्टाग्राम का जो पेज है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसको फॉलो कीजिए। और अगर आप ये काम तानिया से सीखना चाहते हैं तो आप तानिया को डीएम कीजिए। हमारी यही कोशिश होती है कि आपको कुछ ना कुछ नया सिखाते रहें ताकि आपके हाथों में एक हुनर रहे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। वक्त हुआ जाता है हुसन दुबाला का, लेकिन आज हुसन दुबाला में थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है कि हम ज़्यादातर जो रानाई है, जो एक फिनेस है लुक्स की, हम ज़्यादातर ख़वातीन की बात करते हैं कि ख़वातीन को अपने बाल, अपना चेहरा इस तरह निखारना चाहिए, ये वाले स्टाइल से जो अपनाने चाहिए। लेकिन मर्द हजरात की स्टाइलिंग को हम इतनी तवज्जो क्यों नहीं देते? जो मर्द हजरात अपने ऊपर इतनी ज़्यादा तवज्जो देते हैं उनको हम मेट्रोसेक्सुअल कहते हैं। कहते हैं अरे भाई तुम तो बहुत ही ज़्यादा अपने बारे में ऑब्सेस्ड हो, लेकिन जब ये ख़वातीन करती है तो हमें कुछ नहीं कहते। और फिर हम कहते हैं कि मर्द और औरत दोनों शाना बशाना चलते हैं और इक्वल हैं और बराबर हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी का पूरा हक है अच्छा दिखने का, शार्प दिखने का, स्मार्ट दिखने का और लेटेस्ट ट्रेंड्स फॉलो करने का। और आज इसी टॉपिक पे हमारे साथ बात करेंगे और अच्छा सा डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। पाकिस्तान का एक अच्छा खासा एस्टैब्लिश नाम है, 27 साल से काम कर रहे हैं। हमारे साथ हैं एजाज फ्रॉम रोमेरो। बिल्कुल ठीक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एजाज भाई, तकरीबन कोई 27 ईयर्स से यू बीन वर्किंग, 27-28 साल से आप काम कर रहे हैं। मोर देन 27 ईयर्स, दैट्स अ लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स होने वाले हैं। आपने क्या चीज नोटिस की है, ट्रेंड्स कितनी तेजी से चेंज होते हैं? बेसिकली ट्रेंड सेटर में ही हूँ पाकिस्तान के अंदर। जब मैं पाकिस्तान आया था तो उस टाइम पे टिपिकल स्टाइल्स होते थे। 92-93 में मैंने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया स्टाइल, वो विच इज कॉल्ड कॉफी कट, मशरूम कट, कॉफी कट, मशरूम कट, उस तरह के कट्स थे। तो आशिकी, एक आशिकी कट, आशिकी कट, वो बाद में उसी का नाम था, उसी के यहाँ पे पाकिस्तान उसका नाम कॉमनली बर्गर कट हो गया, बर्गर कट हो गया था। जब मैंने स्टाइल खत्म किया वो बर्गर कट हो गया, तो बहुत नाम उसको मिले स्टाइल को। फिर हम आए क्विफ के ऊपर, हम हाई क्विफ के ऊपर आए, फिर हम अंडर कट पे आए। अंडरकट जो हम खत्म, अच्छा इत्तेफाक से जो हम स्टाइल खत्म कर रहे होते हैं वो स्टाइल मार्केट में इन हो रहा होता है, ट्रेंड हो रहा होता है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। अच्छा मुझे बात बताइए, क्या आजकल के दौर में भी मर्द हजरात अपने जो लोग से उनमें एक्सपेरिमेंट करते हुए कतराते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कतराते, अब नहीं कतराते, पहले कतराते थे, अब नहीं कतराते। अच्छा, नाउ दे वांट टू एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल, बिकॉज़ सोशल मीडिया ने लोगों में बहुत अवेयरनेस पैदा कर दी है स्टाइलिंग। पहले एक जमाना होता था, आप यकीन करें, मुझे स्टाइल के लिए सीखने के लिए हर शॉर्ट कोर्सेज के लिए मुझे हर 3-6 महीने यूरोप जाना होता था। तो अब ऐसा कुछ नहीं है, अब आपका हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, आपको प्रोडक्ट अवेलेबल है, स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स आपको मिल जाती हैं, प्लस आप इजीली कैटलॉग वाला सिस्टम खत्म हो गया। एक ज़माने में आपको याद होगा शायद, तो कैटलॉग लेके बैठे होते थे सैलून के अंदर कि भाई आपको यही चाहिए, यही चाहिए, वो कैटलॉग वाले पूरी बुक होती थी। या फिर जब आप जाते थे बाल कटाने के लिए तो पोस्टर लगे होते थे कि यार ये कर दो, नहीं वो वाला काट दो। अब तो थैंक्स टू नेटफ्लिक्स सबसे आया है, पूरी दुनिया का जो मूवीज़ है, मीडिया है, चाहे कोरियन हो, जापनीज हो, इरेनियन हो, लेबनीज हो, सारी दुनिया का जो मीडिया आपके सामने, और वो जब आप देखते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट हेयर कट्स वहाँ देखने को मिलते हैं। अच्छा एक मुझे बात बताएं कि जो बियर्ड होती है, बियर्ड का एक आई थिंक बहुत गहरा ताल्लुक है एक मर्द की खूबसूरती से, उसके लुक से। बियर्ड में बहुत सारे लोग हैं जो एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि यार बस ज़्यादा मत करें। जो बियर्ड को बियर्ड के तौर पर रखते हैं ना, जो सुन्नत के हिसाब से जो दाढ़ी रखते हैं जी, वो तो एक हाफ ज़्यादा से भी टच नहीं करने देते आपको, ठीक है। अच्छा एक बियर्ड होती है जैसे कि आपकी फेशियल हेयर्स जो है आपके, ठीक है, इसको हम स्टॉप, इसको हम बियर्ड में शामिल नहीं करते, जो रिलीजियसली है, ठीक है। तो इसमें आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपके फाइन कट्स होने चाहिए इसके ऊपर आपके, उसको हम एक बड़ा दुबई का जो कट्स होते हैं, तलवार कट जिसको कहते हैं, वो इस तरह का, जी हाँ, वो उसको दुबई वाले इसका नाम यही रखा हुआ है, खंजर कट, खंजर कट था जी। तो वो इस तरह के स्टाइल्स उसके ऊपर बहुत कैरी करता है। अच्छा डिपेंड करता है आपके फेस के ऊपर, अच्छा, कि आपका फेस कट्स क्या है, आपकी जॉ लाइन कैसी है, आपके चेक बोन कैसी है। तो चलो आपका राउंड फेस है और मैं पूरी बियर्ड रख लूँगा तो वो और राउंड हो जाएगा और गोल हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हमें बियर्ड के अंदर भी फेड करना पड़ता है, साइडों से हल्का फेड करके चिन को थोड़ा ग्रो करके, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है क्योंकि जिसकी हेयर ग्रोथ ज़्यादा होगी जो फेड है मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाता है। That's business. There you go. बिल्कुल, अब हम डिज़ाइन ऐसे क्रिएट करते हैं कि उसको लाजमी वीक में एक दफ़ा सैलून आना पड़ता है,
और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो एक्सपर्ट हो गए, घर में खुद भी कर लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कोरोना में आप ऑलमोस्ट 3 रैकेट से इजाज़ भाई आप काम कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स आई थिंक यू हैव डन वर्क विद ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इन दिस कंट्री, सबके साथ आप काम कर चुके हैं। मुझे आप एक बात ही बताएं, आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू गिव बैक टू द सोसाइटी, जो कि आपने इतना कुछ दिया, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन आपने कायम किया या आप किसी को क्लासेस देते हैं या ट्रेनिंग देते हैं उन बच्चे या उन लड़के लड़कियों को जो सीखना चाहते हैं? मैं इंडिविजुअल क्लासेस देता हूँ, ठीक है, जबरदस्त, बल्क में नहीं करता क्योंकि बल्क में आपकी क्वालिटी जो है वो खत्म हो जाती है, ठीक है, ठीक है, तो मैं इंडिविजुअल क्लासेस देता हूँ और हर मेरा सीजन मतलब 12 महीने का सीजन होता है, अच्छा, तो उसमें मेरी क्लासेस चलती है। दो तीन स्टूडेंट्स और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पाकिस्तान में बहुत अच्छे बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, एक्सेलेंट। और क्योंकि काफी लोगों से सुनने में ये आता है कि हम पहले रोमेरो में काम करते थे, हम फिर रोमेरो में काम करते थे, अक्सर लोग ये, अच्छे कुछ लोग मेरे रूहानी शागिर्द भी हैं, अच्छा, वो कुछ टीवी पे देख के या मेरे शोज देख के, मेरे ट्यूटोरियल्स देख के वो मतलब अपने शागिर्द भी बने हैं, जो मेरे ओरिजिनल स्टूडेंट्स हैं ना, दे हैव माय सर्टिफिकेट, तो वो उनके साथ काम कर रहे होते हैं। वेरी नाइस, जबरदस्त। अच्छा, आज हमारे मॉडल यहाँ मौजूद है तैमूर, आज का हम क्या कर रहे हैं? देखें, इनके साथ जो है ना, इनकी आई थिंक उधर ही साथ उधर ही आ सकते हैं, हम थोड़ा बात भी करते रहेंगे तो स्टाइल भी पता चल जाएगा। अब इनकी जो बियर्ड है ना, इज जस्ट अ शेप्ड, ठीक है, कोई बालों का इसमें बियर्ड का कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं आ रहा इनके फेस के ऊपर, प्लस इनकी आईब्रोज जो है ना, ब्रोज जो है ये जॉइंट है, यूनिब्रो है, हाँ यूनिब्रो इनकी जॉइंट्स है, ठीक है। हम इसको अगर थोड़ा सा सेपरेट कर दें, यहाँ से हल्का सा लाइट कर दें, ठीक है, और ऊपर से फाइन कर दें, तो ये इनके फेस के फेस कट्स जो हैं सारे विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। प्लस यहाँ से स्लाइटली सी फेड होनी चाहिए बियर्ड, और ये थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, और मस्टेशेस जो इन्होंने बहुत पतली करके रखी है ना, इसको हम सिर्फ साइडों से स्क्वायर लुक देंगे, तो इनके पूरा लुक चेंज होगा। अब बालों में अगर हम आते हैं इनके, तो बालों में इनके ना ये काउलिक है, यहाँ फ्रंट पे देखें जी, ये काउलिक कहलाता है, जो घूमते हैं ना बाल जी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में बनाएंगे बाल, हाँ, तो इनके बाल स्टे करेंगे की जगह, होल्ड करेंगे सही रहेंगे, और सही रहेंगे, स्टाइलिंग का बहुत अच्छा आएगा। ओके, दूसरा ये कि कानों के पास इनके बाल बहुत हैवी हैं, यहाँ ये टेम्पल एरिया ना इनका जी, ये बाल बहुत हैवी हैं, ये लाइट होने चाहिए बैक पे, अगर हम तो आ नहीं सकेंगे शायद कैमरा जी, मैं आपको ऐसे जिसका बता दूँ कि ऑक्सीपिटल बोन है, ठीक है, इस बोन के साथ इस इन बालों के साथ ये फ्रिंजेस होनी चाहिए ताकि इस नेक को कवर करे पूरा अपना, ऑल राइट, ठीक है, ठीक है। ऊपर ये इनकी जो साइड बोन्स हैं ये ब्रॉड है, इस ब्रॉड के साथ हम इसको साइडों पर कम करके इसको लिफ्ट करेंगे तो इनकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। और मेन चीज़ है जो लोग मेल स्टाइलिंग कराते हैं वो अपने क्राउन का बड़ा ख्याल रखें, यहाँ पे जुभवर होता है जी, अगर सेंटर में है तो उनके स्टाइल बहुत टिपिकल होता है बनाना। ओके, अब इनका है सेंटर में, नॉर्मली लेफ्ट होते हैं, लेफ्ट पे हो जाए राइट, और कुछ लोगों के दो होते हैं, अच्छा, वो तो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल हो जाता है, जिनके दो होते हैं उनके बाद ट्विंस होते हैं, हमारे जो कॉलर्स हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो हमें वक्तन फवक्तन सवाल भेजते रहते हैं, क्योंकि आपके ऑनर आने से पहले हम लोग अपने सोशल मीडिया पे शुरू कर देते हैं कि आप आने वाले हैं, तो आपके हिसाब से फिर सवाल, तो जो सवाल भेजे गए वो हम आपसे वक्तन फवक्तन ड्यूरिंग योर दिस प्रोसेस हम पूछते रहेंगे, तो प्लीज आपको जवाब दूंगा जी, प्लीज। खवातीन और हज़रात, यहाँ पे हमारे जो मॉडल हैं, एक मेल ग्रूमिंग का सेशन हो रहा है बहुत दिन के बाद, आई थिंक फर्स्ट टाइम ऑन द मॉर्निंग स्टार हम मेल ग्रूमिंग कर रहे हैं, और इजाज़ रोमेरो पाकिस्तान का एक अच्छा खासा इस्टेब्लिश नाम है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करते हैं, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स से इस बिज़नेस में है, और आज लाइव वो आपको हमारे मॉडल का पूरा लुक चेंज करके दिखाएंगे। अच्छा इजाज़ भाई, सबसे पहले जो चीज़ है, एक इनका नाम है तनवीर साहब ने पूछा है, इनकी उम्र है 22 साल और एकदम से, हाँ 22 साल है और इनका ताल्लुक 22 साल है और अभी अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं की है, कराची में ही पढ़े हैं, लाहौर से आए, जब से लाहौर से यहाँ आए बे इंतहा हेयर फॉल है। अच्छा, इनका हेयर फॉल अगर 22 साल के तो 22 साल में अगर इनके बाल गिर रहे हैं तो इनको देखना चाहिए कि इनकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, ठीक है, सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री पे जाएं, अगर इनके फादर के बाल गिरे हुए हैं तो लाजमी इनके भी गिरेंगे क्योंकि इनहेरिटेड होता है सारा, ठीक है, और अगर दोनों तरफ से, मदर साइड से भी है और फादर साइड से भी, मदर साइड से मतलब मामू हो गए, नाना हो गए, ठीक है, अगर दोनों की तरफ से तो 18 साल की उम्र में बाल गिरना शुरू होंगे और 22 साल में बिल्कुल बॉल्ड हो जाएंगे, ये एक जीन में होता है, ठीक है, और अगर सिर्फ फादर के साइड से हैं तो फिर 22 साल में गिरने शुरू होते हैं और 28 साल तक गिरते हैं,
28 के बाद बाल नहीं गिरते, 28 के बाद वो बाल गिरते हैं जो आप केमिकल कॉजेज की वजह से हो, आपका इंटरनल कोई इशू हो रहा हो उसकी वजह से गिरते हैं, बाकी नेचुरली हेयर लॉस नहीं होगा। 28 तक जो बाल रह गए वो फिर वो रहेंगे, वो रहेंगे। तो फिर जो सुने वो जो लेटर एज में जो लोगों के बाल झड़ जाते हैं सारे, वो लेडीज में नहीं, नहीं मर्दों में, हाँ वो झड़ते हैं, वो जेनेटिकली होता है ना, उनका फैमिली में चल रहा होता है उनका। अच्छा, इसलिए झड़ेंगे, अदरवाइज या तो टाइफाइड आपको हुआ हो, अच्छा, सीवियर ऐसे कोरोना हुआ हो, इस तरह की अगर कोई डिजीज आपको या वायरस आपको लगा हो तो उसमें ये होता है कि आप बिल्कुल बाल शॉर्ट कर लें, मशीन फेर दें, ठीक है, नई ग्रोथ आने दें। अगर हेड शेव कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, तो हेड शेव करने के बाद ये तो आपकी ग्रोथ जो आपके फॉलिकल होते हैं बालों का वो वापस डेवलप हो जाता है। ओके, अगर हम नहीं करते, बहुत से लोग कहते हैं यार नहीं हम काम बोल लोगे, तो वो फिर वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा चीज़ों को फेस करते हैं, उनको ज़्यादा हेयर लॉस होता है ज़्यादा। अच्छा, नुमान साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। नुमान साहब कह रहे हैं मेरे फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं कि मेरी गर्दन से चेस्ट तक फेशियल हेयर हैं और गर्दन नज़र भी नहीं आती, आप क्या रिकमेंड करते हैं, इनको क्या रखना चाहिए? देखिए, इट्स डिपेंड, अगर वो टी शर्ट्स वगैरह पहनते हैं तो वो टी शर्ट वेयर ना करें, अदरवाइज आप मशीन या वैक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आप रिमूव कर सकते हैं फेशियल हेयर्स को, मतलब जो नेक के नीचे, तो अक्सर आप देखा होगा टी शर्ट या कॉलर के अंदर से बाल बाहर निकल रहे होते हैं, ठीक है ना, एज इट डजंट लुक गुड, तो वो आपको चाहिए कि उसके पहले ट्रिमर से इसको रिमूव कर दें या वैक्स करा लें, अब तो वैक्स इतना ईजी हो रहा है, इतना कॉमन है, वो कर सकते हैं। बाकी जो हेयर्स होते हैं ना, ये होते हैं वेलेस हेयर, अच्छा, ठीक है, ये हेयर्स इनको प्रॉपर हेयर नहीं कहते हैं हमको, ये हमारी जो बॉडी पे जितने भी हेयर्स हैं इट्स कॉल्ड वेलेस हेयर। जब तक आप इसको रिमूव नहीं करते ग्रो नहीं होते, जब आप इसको रिमूव करना शुरू करते हैं तो ग्रो हो जाते हैं। जैसे आप फर्स्ट करें आईब्रो आप ट्रिम करते हैं तो वो जैसे आप ट्रिम करेंगे आपको नेक्स्ट वीक या टू वीक्स के अंदर वो बाल ग्रो होता हुआ नजर आएगा। अगर आप जिंदगी भर नहीं काटेंगे तो जिंदगी भर बढ़ेगा नहीं, वो एक शेप में रहेगा। तो जब वेलेस हेयर को आप कट कर देते हैं तो वो उसके तब वो ग्रो करता जी जी है। उसके क्यूटिकल्स, उसके कॉर्टेक्स, उसका मेड्यूला, वो सब चेंज हो जाता है, ये नेचुरल एक अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा है। लेकिन जवाब मुझे एक बात बताएं कि कहते हैं कि जब आप वैक्स करते हैं अपने चेहरे पे या बॉडी पे तो फिर जो बालों की ग्रोथ होती है वो नहीं, सख्त बाल आते कम होती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो प्लग करते हैं रूट के साथ ही ना। अच्छा, तो काफ़ी दफ़ा रूट निकली, हाँ, जब वो रूट डेवलप होती है दोबारा से टाइम लगता है, तो जो बाल आपके हर 10 दिन में निकल रहा था वो बाल फिर 25 दिन में निकलता है। अच्छा, और अगर 25 दिन बाद भी निकाले तो फिर रूट डैमेज हो जाता है। आप रेगुलर करते रहें तो वो फेशियल हेयर्स आपके कम हो जाते हैं, कम होते चले, ऐसा नहीं कि वो बढ़ जाएं। अच्छा, बढ़ते सिर्फ रेजर से या मशीन से। अच्छा, इरफान साहब ने पूछा है कि उनके बहुत ही फनी सवाल है, आई एम सो सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कह रहा हूँ, मुझे कुछ सवाल पढ़ के हंसी भी आ जाती है, बट मैं क्या करूँ। बिल्कुल, इरफान साहब ने कहा कि उनके कान पे बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ है इयर्स, जी जी जी, और वो कहेंगे कि उसके लिए लेजर ट्रीटमेंट कराना क्या सही है? इज इट गुड? कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई हार्मफुल नहीं है। पहले आज से अगर 10 साल पीछे चले तो लेजर वॉज वेरी हार्मफुल, वो जो लेजर करते थे स्किन पे ब्लैक पैचेस पड़ जाते थे, अब तो इतना लेटेस्ट ट्रीटमेंट आ गए, जदीद सामान आ गया, बिल्कुल सही, कि आप वो लेजर करें तो आपको निशान भी कोई नहीं आता। बिल्कुल सही बात है। चलिए अब हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट करें। जी प्लीज, थैंक यू। अब जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे इनका काउलिक है, ये कुछ भी स्टाइल करेंगे वो घूम के नीचे की तरफ गिर जाएगा बाल, तो हम इसको थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन पे इनकी स्टाइलिंग करेंगे। और इजाज़ भाई आप एक्सप्लेन भी करते रहे, जी जी बिल्कुल, कि आप क्या क्या कर रहे हैं। इनका पूरा फॉर्मेट हम चेंज करेंगे बालों का, सबसे पहले मैं इनकी लेयरिंग करूंगा, ठीक है, थोड़ा सा थिन आउट करूंगा बालों को, उसके बाद फिर इनको कट करेंगे। बालों की डेंसिटी भी हमें देखनी होती है कि बाल कहाँ से घने हैं, कहाँ से लाइट हैं, उस हिसाब से हम ट्रीट करते हैं बालों को। अब देखें ये इनका ना थोड़ा सा आपको फील होगा कि फर्क, मैंने सिर्फ ब्रश किया अभी खाली, तो इनका तो बैठ गए बाल, हाँ बाल होल्ड हो जाएंगे, बाल खराब नहीं होंगे, पूरा दिन बाल मेंटेन रहेंगे, ठीक है। इजाज़ भी आप सिर्फ इसकी इसका वेट बालों का इस पर कम करें, अभी पहले वेट कम करूंगा उसके बाद पे कट करूंगा, फिर लेंथ करेंगे जी। ओके, मैं असल में ये मेरे लिए बिल्कुल रॉ है ना, ठीक है, तो मैं पहले अपने हिसाब से इसको बालों को एक शेप में लेंगे, फिर मैं स्टाइल दूंगा इनको, ठीक है, मैं डायरेक्टली हेयर कट में जाऊंगा, मैंने इनका टेक्सचर नहीं पता मुझे, कुछ पता नहीं, मैं जा रहे बाल काटना शुरू कर दूं तो वो कुछ और बन जाएगा। ऑलराइट, पहले मैं अपने हिसाब से बालों को ट्रीट करूंगा, देन मैं इसके ऊपर स्टाइल करूंगा।
अच्छा इजाज़ भाई, एक माना ही जाता है कि अगर आप ऑयलिंग करते रहे तो बाल नहीं गिरते, लेकिन जिनके जेनेटिकली गिरने होते हैं उनके तो गिर जाते हैं। देखिए ऑयलिंग कितनी मदद करती है? ऑयल जो है ना सिर्फ नरिशमेंट के लिए होता है बालों की। अच्छा ठीक ना, ऑयल आपके लिए सिर्फ सिर्फ और नरिश कर सकता है, बाकी हम कहते हैं कि बाल गिरना रुक जाते हैं ऐसा कुछ होता है, बाल ग्रोथ हो जाती है ऐसा उसमें नहीं है। हाँ अगर आप उसको मिक्स टोन में करें, मतलब चीज़ों को साथ मिक्स करें, मेरे एक यही मैंने इसी शो पे एक टोटका किया था, टोटका था क्या मतलब रेमेडी थी, कोकोनट ऑयल विद करी लीव्स, करी लीव्स हाँ कड़ी पत्ता जो होता है जी जी जी, एक पाव खोपरे के तेल के अंदर आप कड़ी पत्ता ऐड कर दें, थोड़ा सा उसको फ्राई करें, डीप फ्राई जस्ट लाइक जैसे हम चिप्स को फ्राई करते हैं ठीक है, तो वो कड़ी पत्ता निकाल कर दें, ऑयल ठंडा करें, उसको आप लगाना शुरू करें, तो सही होता है कोई डैंड्रफ हेयर लॉस ये चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो जाती हैं, बिल्कुल बेहतर हो जाती है। खवातीन और आज़ाद, इजाज़ रुबैरो हमारे साथ हैं लाइव, यहाँ हेयर कट कर रहे हैं, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक। वेलकम बैक खवातीन और आज़ाद, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, एक बार फिर आप शो का हिस्सा बने, बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़ रोमेरो साहब इस वक्त बाल काट रहे हैं हमारे मॉडल के, जो कि काफ़ी हद तक एंड आई एम डन 100% चेंज हो गया। देखिए इनका पहले मैं आपको बता दूं इनका क्या था जी, ये बाल इस तरह से रखते थे, यहाँ से पार्टिंग करते थे ठीक है, और एक हैवी सा पफ जो है ना वो आगे गिरा के रखते थे, समथिंग लाइक दिस, इस तरह का इनका कुछ लुक था ठीक है। मैंने आपको बताया था पहले इनका काउलिक है फ्रंट पे, इसको हम अपोजिट डायरेक्शन पे लेके जाएंगे तो एक पफ नीचे नहीं गिरेगा, लिफ्ट करेगा, ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा। अब सिर्फ मैंने हेयर कट किया है, इनकी नॉचिंग की बालों के अंदर और स्लाइसिंग की है और हल्का हल्का सा ट्रिम किया है, तो अब ये जो जब भी अपनी स्टाइलिंग करेंगे तो जो क्विफ है इनका हाई साइड पर हाई एंड पर जाके होल्ड हो जाएगा और ये फॉल नहीं करेगा, विदाउट प्रोडक्ट ही बाल बन सकते हैं ठीक है, क्योंकि क्राउन इनका जो है ना जी, मैंने आपको दिखाया था कि क्राउन का सेंटर में मैंने उसी से लेते हुए पूरे पूरे बालों को शेप लेके आया हूँ, बैक से मैंने इधर हैवी रखा है, ऑक्सिपिटल बोन के एरिया पे हैवी रखा है, नेप इनका मैंने स्लिम किया है, ट्रिम किया है उसके ज़्यादा ठीक है तो उसमें इनकी साइडों की जो ये स्केल है थोड़ा सा ब्रॉड है उसको देखते हुए मैंने ज़्यादा फेड नहीं किया है यहाँ से ठीक है, अगर ज़्यादा फेड करूँगा तो टेपर्ड हेड हो जाएगा। अच्छा वो मुझे नहीं करना, मुझे स्ट्रेट रखना है तो इनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से ठीक है। अब मैं आपको स्टाइलिंग करके दिखा देता हूँ ठीक है कि हम कैसे स्टाइल करते हैं बालों को, और ये बेसिकली जो स्टाइलिंग इस वक्त एजाज भाई कर रहे हैं ये जो मर्द हजरात हैं वो अपने घर में खुद भी कर सकते, ट्राई कर सकते, बिल्कुल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है एजाज भाई घर में जितना ट्राई कर लो वो एक्सपर्ट वाली बात आती है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ उसके अंदर, नॉर्मली जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो हम बिहाइंड द चेयर होते हैं ठीक है, हमारा हाथ यहाँ से इस एंगल से आ रहा होता है स्टाइलिंग करने के लिए, इस तरह से चल रहा होता है। आप लोग जब घर पे होते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ से उठाते हैं एग्जैक्टली, जब यहाँ से बनाने लगते हैं तो आप पीछे से ख़राब कर लेते हैं, आप पीछे से सही करते हैं तो आगे से ख़राब हो जाते हैं। तो उसका तरीका ये है कि आपको शोल्डर ओवर द शोल्डर आपके हाथ होने चाहिए, ऊपर से फिर यहाँ से आप स्टाइलिंग करना शुरू करें, फिर आप पूरे बालों के ऊपर लेके जाएं, फिर आपका स्टाइल कभी भी खराब नहीं होगा। ओके ओके, ये बड़ी पते की टिप है, बहुत टिप है, और लोग कहते हैं यार सैलून पे बनता है घर जाके नहीं बनता, तो रीज़न ये होता है हम अपने सैलून पे सबसे पहले क्लाइंट को ये जब वो मेकआउट करते हैं उसका सबसे पहले हम उसको ये चीज़ सिखाते हैं कि आपने बनाने कैसे हैं बाल, क्योंकि आप बाहर जाके अच्छे नहीं बनाओगे तो नाम हमारा खराब होगा। बिल्कुल सही बात ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपने सुबह बाल बनवा लिए वो शाम तक खराब हो जाते हैं, दोपहर तक खराब हो जाते हैं, बड़ा ईजी है आपको अब अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करें अगर करना है, अगर आपने पूरा दिन अपनी पर्सनैलिटी जैसी रखनी है तो आप प्रोडक्ट लगाएं, अगर बगैर प्रोडक्ट के बाल बनाने तो फिर जो टेक्निक। अच्छा कौन सा प्रोडक्ट है जो लाजमी होना चाहिए लड़कों के पास? यार जैसे अभी सीजन है ना इसमें तो जेल यूज़ ना करें, जेल नहीं करें, नहीं करें पिघल जाएगी वो, नहीं ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी के अंदर क्या होता है कि कर्ल्स विजिबल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, सीधे बाल भी टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं। ओके ओके ठीक है, कर्ल्स जेल जो है ना आपको थोड़ा सा माइल्ड वेदर में मतलब जहाँ ठंड थोड़ी सर्दी हाँ उस तरफ जाके आप यूज़ करते हैं, इसमें आप ड्राई वैक्स यूज़ करें, ड्राई पाउडर वैक्स यूज़ करें,
वॉल्यूमाइजर यूज़ करें, क्योंकि बाल होल्ड करें, बाल एक जगह पर रहें, बस दो चीज़ें आपको ज़रूरत है। अगर आपके बाल कम हैं तो फिर आप हेयर फाइबर डाल सकते हैं, हेयर फाइबर से वो कैमोफ्लेज कर देता है आपको सारा, ठीक है। मुझे लगता है हेयर फाइबर से और हेयर लॉस हो जाता है। नहीं नहीं, अगर अच्छा ब्रांड का करें तो नहीं होता। उसका तरीका ये, लोग हेयर वो लगा के ना टॉपिक टाइप की चीज़ें लगा के वो सो भी जाते हैं, ठीक है। आप दिन में कोई भी जेल लगाएं, कितना भी हार्मफुल प्रोडक्ट लगा लें, कोई इशू नहीं है। बट एट द एंड आप जो जब सोना है, जब आपको रिलैक्स मूड में जाना है, तो आप शैम्पू करें, वॉश करें बालों को, और शैम्पू भी आप दिन में दो दफ़ा भी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। वो कहते हैं कि हेयर के ऑयल्स ख़राब हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ नॉर्मल क्या होता है, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है। हमने शैम्पू लिया हाथ में, झाग बनाया, लदर बनाया, रिंस किया, निकल चले गए। आप इतना रिंस करें कि आपको पता चल जाए कि आपके टब पे या आपके फ्लोर के ऊपर उसका लैदर नहीं बन रहा, पानी क्लियर निकल रहा है। अच्छा, जहाँ आप शैम्पू को बालों के अंदर छोड़ देंगे या कंडीशनर को बालों के अंदर छोड़ देंगे, वो आपके बालों को डैमेज करने पर शुरू कर देंगे, क्योंकि SLS होता है, सोडियम लॉरेट सल्फेट होता है, वो जब बालों को ड्राई करते हैं ना, तो फिर वो एक आपको एक डैंड्रफ किस्म की एक आपको चीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, उससे आपका हेयर लॉस शुरू हो जाता है। एब्सोल्युटली, ठीक है। बालों को, बाल आपकी पर्सनैलिटी है, बाल से ही आप कुछ हैं, बिल्कुल सब कुछ, ठीक है। आपकी जो भी स्टाइलिंग है, आपकी जो भी पर्सनैलिटी है, आपके हेयर्स के साथ हैं, और जिनके नहीं है बेचारे वो भी सोचते हैं कि हम क्या करें। अच्छा, मेरा अगला सवाल इसी से रिलेटेड है। सलीम साहब जानना चाहते हैं कराची से कि क्या इजाज रोमेरो के सैलून पे हेयर एक्सटेंशंस मौजूद हैं? बिल्कुल 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 मौजूद मौजूद है, यानी जो बॉल्ड लोग होते हैं जी, आप उनको पैचेस इंस्टॉल? जी बिल्कुल। हम क्या कहते हैं, हम वो 6x8, 9x7 इस तरह के साइजेस नहीं लेते, मैं उसको पहले पूरा मोल्ड बनाता हूँ, मोल्ड हम भेजते हैं बाहर, वहाँ से उस मोल्ड के हिसाब से वो उनका हेयर पीस बन के आता है, उसको हम। और वो कितने दिन का प्रोसेस, कितने दिन में आता है? अच्छा, इसमें भी मैं दो तरीके हैं आपको बताऊँ, सॉरी आपकी बात काट रहा, ये टोटल एक हफ्ते के प्रोसीजर्स में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, जो मैं पैच लगाता हूँ ना, अभी बहुत सारे आर्टिस्टों ने लगाए हुए, सेलिब्रिटीज में नाम नहीं लूँगा। अच्छा, हम डिटैचेबल लगाते हैं, ठीक है, ठीक, क्लिप ऑन के साथ, ठीक है। नॉर्मली वो जो हेयर पैच आता है उनका ग्लू से लगता है, वो ग्लू से लगता है, ग्लू में वजू का प्रॉब्लम होता है। ओके, क्योंकि नेट होता है, नेट से नहीं, देखें जिस एरिया पर ग्लू लग गया वो तो पेस्ट हो गया ना, ना पानी अंदर जा सकता है ना बाहर निकल सकता है। ओके, ठीक है। तो अगर पानी नेट के अंदर जाएगा अभी तो एक ही एरिया तक रुक जाएगा। और वुजू में तो पानी का बहना, वुजू में पानी का बहना, नहाने में, गुसल में, तहारत में, ये सारी चीज़ें जरूरी हैं। तो हमने उसके लिए एक बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया है, हम डिटैचेबल होता है आपका, अगर कोई छोटे मोटे बाल भी है तो हम बॉल नहीं करते उसी के ऊपर। आपने देखा भी, मैं दो तीन नाम बाद में ब्रेक में बताऊंगा आपको, वो सीरीज मुझे बताया, वो क्लिप्स करते हैं टक टक और जस्ट एक कैप की तरह पहनते हैं, विद इन अ मिनट वो रेडी हो जाते हैं और वो पता भी नहीं चलता। और मूव आप बाइक पर जाएँ, शूट करें, स्विमिंग करें, कुछ भी नहीं होता। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑल राइट, प्लीज ठीक है, प्लीज। बालों को ताकि बाल आपके स्टाइल में रहें। नॉर्मली हॉट ड्राई के बाद लोग छोड़ देते हैं, फिर प्रोडक्ट लगा देते हैं। जब हम हॉट ड्राई करते हैं तो बालों के क्यूटिकल्स जो हैं वो ओपन होने शुरू हो जाते हैं। ओके, ठीक है। जब हीट देते हैं तो क्यूटिकल्स ओपन होते हैं। हॉट के बाद कोल्ड लाजमी, ठीक है।
सर्दियों में बालों में इतना अच्छा बाउंस होता है जी, सर्दियों में बालों में इतना अच्छा बाउंस होता है, गर्मियों में नहीं होता। वो ह्यूमिडिटी है ना, ह्यूमिडिटी है हमारे यहाँ तो 80% 90% ह्यूमिडिटी हमारे कराची के वेदर के अंदर। अच्छा कौन सा ऐसा स्टाइल है या कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि लोग आजकल बहुत ज़्यादा करते हैं और आपको नहीं पसंद, आप कहते हैं मुझे ये स्टाइल समझ में नहीं आता? स्टाइल में हाँ नहीं स्टाइल, हेयर स्टाइल जो होते हैं आजकल कौन सा जो आजकल कभी एक मुझे मैं आपको बताऊँ, लोग हमारे पास आते हैं ठीक है, वो कहते हैं यार मुझे फलां आर्टिस्ट का स्टाइल पसंद है ठीक है, अब उस जैसा फेस नहीं है, उस जैसी फिजिक नहीं है आपकी, चेहरा उतना हाँ, तो फिर हम उसको हम थोड़ा सा उसके माइंड को सेट करते हैं कि यार आपके पे ये सूट नहीं करेगा आप ही का, उसके बावजूद वो वजित होते हैं कि नहीं यार मुझे बनना वही है। मैंने भी आया समूह का एक ट्यूटोरियल किया था हेयर स्टाइलिंग के लिए ठीक है ना, मोर देन 500 लाख तक लोगों ने उसको देखा और इतने लोग उसके स्टाइल के ऊपर आए कि आप हमें ये स्टाइल करते हैं, या मैं कहूँ उस जैसे बाल भी तो लेके आओ ठीक है ना, हम फिर उसको थोड़ा सा माइंड सेट करते हैं कि नहीं आपको पे ये सूट नहीं करेगा आपके ऊपर ये कर लें, उसमें हमारा जो टाइम होता है वो एक 5-10 मिनट की कन्वर्सेशन होती है, उसके बाद जाके वो समझ जाते हैं कि यार हमारे पर क्या अच्छा लगेगा, क्योंकि हम बिहाइंड द चेयर खड़े होते हैं, क्लाइंट जो है वो मिरर के सामने होता है ठीक है, तो उस टाइम जो हम उसको समझा रहे होते हैं तो वो उसके जहन में चीज़ समझ में आती है कि यार ये चीज़ सही कह रहे हैं और लोग हमारे पर ट्रस्ट करते हैं ठीक है, कि यार जो इजाज़ बनाएगा या जो इजाज़ की टीम बनाएगी वो बेहतर करेगी, बेहतरीन होगा बिल्कुल ठीक है। अब मैंने हॉट किया है तो अब मैं थोड़ा सा कोल्ड कर रहा हूँ और बालों को मैं सब खोल दूँगा ठीक है, ताकि इनके क्यूटिकल्स वापस रिस्टोर हो जाए। जिससे बालों के प्रेस हो जाएं या चिपक जाएं, मैं उसके लिए पाउडर वैक्स यूज करूंगा ठीक है, ये चॉक पाउडर है? चॉक पाउडर ठीक है, इसको बहुत माइनर सा जैसे आप खाने पे नमक डाल रहे होते हैं इस तरह से आपको फ्लो करना होता है। चॉक पाउडर के लिए भी ना जरूरी है आप तो बहुत जब भी अप्लाई कर लें तो अपने बहुत स्पीड से इसके ऊपर हाथ चलाने होते हैं ताकि ये एक्टिव हो जाए ठीक है, खाली फॉर्म करेंगे तो एक्टिव नहीं होगा ठीक है, थोड़ा सा पीछे करेंगे सर को, देखें जी आपका मॉडल रेडी हो गया। अब 10 से 12 घंटे तक इनको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है और ये स्टाइल 10 से 12 घंटे इजीली रहेगा, आराम से चलेगा इस वजह में। हाँ अब इनको अगर दोबारा रीस्टोर करना है जैसे कोई लंबा टाइम हो गया घर नहीं जा रहे हो, दावत आ गई कोई, तो अपने हाथ को वार्म करें, अपने हाथ को वार्म करें फिंगर्स से दोबारा से उसको, अच्छा हाथों की हीट से ही हाथों की हीट से पाउडर दोबारा बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा, जबरदस्त वेरी नाइस। और चाहे तो ब्रश कर लें, वैसे तो मैंने हाथ से बना दी। और इजाज़ भाई एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, जितने लोग स्टाइलिस्ट के पास जाते हैं सैलून्स पे जाते हैं वो हेयर कट करा के आते हैं, स्टाइलिंग करा के आते हैं, वो कट 2 दिन तक सही रहता है, 3रे दिन फिर वही पुरानी मांग। देखें अगर एक प्रोपोर्शनल तरीके से बाल कटे होंगे ना आपके तो बाल अगर सही कट हुआ, सही कट हुआ होगा जो बेसिक चीज़ सही, मोस्टली लोगों को शिकायत होती है हमारे पास, तो अक्सर लोग आते हैं कटा के 1 घंटे बाद हमारे पास दोबारा सेट कराने आ रहे होते हैं, यार इसको कर दें उन्होंने सही नहीं काटे, तो क्या होता है कि आप फॉर्मेट के ऊपर एक काम करें, ये हेयर कट मैं ज़्यादातर 3 मिनट में कर सकता हूँ ठीक है, और मैंने आपकी वजह से लाइव शो की वजह से मैंने ये हेयर कट को थोड़ा सा टाइम दिया है ठीक है कि करने के लिए, हाँ डिटेल मतलब मेरा मैक्सिमम टाइम जो है ना 5 मिनट्स 7 मिनट्स कोई भी हेयर कट हो, इवन लेडीज हो मेंस हो ठीक है, 5 मिनट से ज़्यादा हार्डली मैं टाइम नहीं लेता हेयर कट के लिए, एक्सपीरियंस है प्लस ये कि मेरी पूरी टीम, अच्छा हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है ना बियर्ड के ऊपर लगता है, दाढ़ी के ऊपर, बियर्ड के ऊपर 1-1 मिलीमीटर के ऊपर काम कर रहे होते हैं कि पूरा फेस लुक बनाना होता है, क्योंकि एक दफ़ा कट लग गया तो वो दोबारा ऊपर नहीं आएगा ना, बिल्कुल सही, तो वो उसमें वो सबसे ऊपर टाइम लगता है हमारा। एक चीज़ ये भी कि किसी फील्ड को किसी ने अगर ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स दिए हों, तकरीबन पूरे 30 साल दिए हों, तो ऑफकोर्स महारत तो आई जाती है। इजाज़ भाई बहुत शुक्रिया आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला, थैंक यू वेरी मच। खवातीन और हज़रात आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए, कल सुबह फिर आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।